Hello and a very warm welcome to today's session brought to you by Team Grade Up. I hope you all are doing really well. Through the course of this lecture, we've got some important announcements to be made for all of you, considering we are on the second last day of the month. So what all new opportunities of learning we will be having for all of you in the next month will all be communicated through the course of this session. And of course, we will be continuing with the entire discussion that we were having. So let's very quickly get started. Kal hum logo ne Italian triumvirate ko achhi tarah se cover kar liya tha. We had looked at members who are associated with Italian triumvirate. So I hope wo wala part aapko achhi tarah se clear ho gaya hoga. Aaj hum wahi se hi continue karenge. That is what we'll be continuing. Lekin wahan se continue karte karte, now we will be moving on to the father of English poetry. Theek hai? Dekho, ye jo context abhi tak hum logo ne char din तक करा था, that context is basically getting us into the first major part of your English writings. देखो पहले जैसे आपके syllabus में क्या होता था, it was Chaucer to Shakespeare, that is how the syllabus would start. That is how आपका जो syllabus है, you would be able to see the starting point. तो आज के इस particular session के अंदर, we will be focusing on the father of English poetry. कुछ important aspects को देखेंगे आज, and of course we will be continuing with Chaucer in the next class as well. Along with that, आज हम पांच unconventional dystopias के बारे में बोलेंगे. Unconventional मतलब कि ऐसी dystopias जो ज़्यादातर हम dystopias नहीं मानते हैं. जैसे कि we will be talking about like you know ऐसी dystopia which is telling us about the current crisis. कुछ कुछ आपके नोन नेम्स हैं, कुछ कुछ आपके अननोन नेम्स होंगे इन पांच अनकन्वेंशनल डिस्टोपिया से, और उसी से ही एक्चुअली आपके अनाउंसमेंट भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगी. ठीक है, साथ ही साथ में अगर आप लोगों ने टेलीग्राम पे जो मैंने एजेंडा का वीडियो भेजा था वो अगर आपने देख लिया होगा, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपका हैरियट बीकर स्टॉ, अंकल टॉम्स कैबिन जिन्होंने लिखा है, ये किसकी फेमस आंट है, और ये वर्क एक्चुअली इन जिनकी ये आंट है उनका वर्क भी आपके पांच अनकन्वेंशनल डिस्टोपियाज में आता है. तो ऐसी चीजें एंड ऑफ कोर्स आपके क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, दैट विल बी द एजेंडा फॉर टुडेज सेशन. देखो चौसर के जब भी आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको याद रखना है कि हर एक पार्ट में से आपके क्वेश्चंस आते हैं. ऑलराइट, चाहे किसी ने चौसर के बारे में कुछ कहा है, जैसे चौसर इज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड, ये स्पेंसर कहते हैं फेरी क्वीन में कि भाई चौसर सिर्फ इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, या फिर हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ये ड्राइडन का कहना है व्हाइल लुकिंग एट द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स. चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस, ये मैथ्यू आर्नल्ड का कहना है. तो जो आपके सारे के सारे कमेंट्स हैं, लिटररी क्रिटिसिज्म के जो आपके इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं, वो तो आपके चौसर से आते हैं. सेकेंडली चौसर के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, किन किन पार्ट्स में वो डिवाइडेड हैं, कौन कौन से वर्क्स क्या क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, सॉरी, ये सारे क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम्स में वो पूछते हैं. अलोंग विद दैट, नाइट स्कूल के माध्यम से कई सारे बच्चों ने कई बार पूछा हुआ है कि कैंटरबरी टेल्स को हम अच्छी तरह से करेंगे, तो इन क्लासेस में हम लोग आपके कैंटरबरी टेल्स को भी प्रॉपरली देखेंगे, और जितना आपके इन क्लासेस में होगा एटलीस्ट वो तो आप मिनिमम पक्का करके जाना. ठीक है, एटलीस्ट वो आप पक्का मिनिमम करके जाना, और आपके क्वेश्चन जरूर पकड़े जाएंगे उसमें से. दैट मीन्स यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्टेंट दैट वी विल बी डिस्कसिंग. ठीक है, हम एक तरह से पूरी स्पेक्ट्रम ऑफ क्वेश्चन जो आ सकते हैं कैंटरबरी टेल्स से उसको अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे. देखो चौसर में आपने क्या याद रखना है, सबसे पहले कि चौसर का जो टाइम पीरियड है, एक्टिव टाइम पीरियड है, वो 1340, कई कई बुक्स में आपको 43 भी मिलेगा, से लेके 1400 तक का था. ये हम पहले ही देख चुके हैं नाइट स्कूल की क्लासेस के अंदर ही, चार जो आपकी क्लासेस हुई हैं, कि चौसर आपके तीन मोनार्क्स के टाइम के ऊपर लिख रहे थे. ठीक है, तीन मोनार्क्स आपके इंपॉर्टेंट जो आ रहे हैं उनके टेन्योर में चौसर लिख रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अच्छी तरह से पता है. नाउ प्लीज याद रखिएगा, कल की क्लास में ही मैं आपको बता रही थी कि चौसर का जो रियलिज्म है ना बच्चे, वो एक लिमिटेड रियलिज्म है, वो एक ओपन रियलिज्म नहीं है, दैट इज अ लिमिटेड रियलिज्म दैट वी आर एबल टू सी चौसर के अंदर.
चौसर बिल्कुल डिटैच्ड थे, जो आपके स्टॉर्म्स ऑफ द टाइम्स हैं उनसे वो बिल्कुल बिल्कुल डिटैच्ड थे. ही वॉज एब्सोल्यूटली डिटैच्ड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है. सो ही वॉज डिटैच्ड फ्रॉम द स्टॉर्म्स ऑफ द टाइम. वहीं पे अगर आप लैंगलैंड, जो उनके कंपेनियन हैं या कंटेम्प्ररी हैं, गावर को देखोगे तो ये लोग बात कर रहे थे, ये लोग बात कर रहे थे उन सारी चीजों की. लेकिन चौसर क्योंकि आपके नोबिलिटी का पार्ट थे, आपके एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास से आ रहे थे. अच्छा, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हाल ही में चौसर के बारे में पूछा गया था. हुआ क्या था, चौसर के बारे में ना हमें ज्यादा नहीं पता है इस पीरियड में, 1360 से लेके, ध्यान से सुनना, 1360 से लेके 1366 तक हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि चौसर क्या कर रहे थे, कहां पर थे. और आप एकदम से देखते हो कि 1367 में जो एडवर्ड III हैं, मोनार्क जो हैं, वो चौसर को रॉयल पेंशन दे देते हैं. वो कहते हैं ठीक है, तुम्हें रॉयल पेंशन मिला करेगी. अब हुआ क्या था, ये माना जाता है कि 1358-59 में इनको कैप्चर कर लिया था. ये वैसे भी ट्रैवल तो करते ही रहते थे, एक तरह के फॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम के. तो हम क्या देखते हैं, वी आर एबल टू सी दैट चौसर को पकड़ लिया था एंड ही वॉज इन कैप्टिविटी. फिर ऑब्वियसली उनको कैसे लेके आ पाए, आप लोगों ने ये सारी स्टोरी सुनी होंगी, जैसे सरबजीत की स्टोरी है कि आपके कितने सारे लोग हैं जो नेबरिंग कंट्रीज में चले जाते हैं और वहां पर उन बेचारों को लेकिन जासूस समझ लिया जाता है, फिर उनको कैप्टिविटी में रखा जाता है, इंटेरोगेशन करी जाती है उनसे अच्छी तरह से. तो ये पार्ट आपको याद रखना है कि देखो चौसर की एक तरह से बहुत आसान होता है हमारे लिए कहना, अरे चौसर तो लिख ही नहीं रहा है पुअर लोगों के बारे में, चौसर को तो अपने, लेकिन ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्किंग क्लास पीपल. बट लुक एट दिस, नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है किसी और से, सो यू शुड नो एज स्टूडेंट्स ऑफ चौसर, एज स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर, कि हमें इस पीरियड के बारे में ज्यादा नहीं पता है. एंड देन सडनली उनको पेंशन मिल रही है, तो क्रिटिक्स का ये मानना है, जो प्रो चौसेरियन क्रिटिक्स हैं, जो चौसर को डिफेंड करते हैं कि वो क्यों वर्किंग क्लासेस के बारे में या पेजेंट्स रिवॉल्ट के बारे में या जॉन बॉल और आपके वैट टाइलर के रिवॉल्ट के बारे में क्यों नहीं लिखते हैं, बिकॉज यार उनकी जान ही बाल बाल बच रही है. That is the reason उनको बहुत ज्यादा एक तरह से सतर्क रहना पड़ता है, that you know I have saved my life because of the presence of monarchy. तो वो इसीलिए कुछ और कह नहीं पाते हैं, उनकी जान ही मोनार्की की वजह से बची होती है. That is what you are able to observe, that is what you are able to see. चौसर के साथ साथ आपके जो लैंगलैंड थे, लैंगलैंड तो ऑफकोर्स लाइक यू नो ही वॉज रिप्रेजेंटिंग द वॉइसेस ऑफ द पीपल, इसको हम देखेंगे भी. गावर भी एक तरह से जो आपके कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स है उनके बारे में लिख रहे थे. वाइक्लिफ इस टाइम के आपके इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर थे, जो कि बाइबल ट्रांसलेशन के ऊपर काम कर रहे थे. बाइबल ट्रांसलेशन जो आपका है उसके ऊपर ये देख रहे थे. बाइबल ट्रांसलेशन को एक और बार हम जेकोबियन पीरियड में देख लेंगे. बाइबल के ट्रांसलेशन से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कीप दैट इन माइंड, ठीक है. नॉन फिक्शनल प्रोज राइटिंग, शॉर्ट फिक्शन हो गया, ये बहुत स्कोरिंग यूनिट्स हैं, इनके पॉइंट्स को मत जाने देना, दे आर वेरी प्रिडिक्टेबल. ऑलराइट, देखो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट चौसर, इट इज वेरी कन्वीनियंट टू डिवाइड हिज करियर इनटू 3 पार्ट्स, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि ये तीनों के तीनों पार्ट्स इनके ट्रैवल की वजह से ज्यादातर डिवाइड हो रहे हैं. पहले ये आपके फ्रांस में जा रहे हैं, तो इसीलिए आपका फ्रेंच पीरियड आ रहा है, जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं, ट्रांसलेशन ऑफ रोमा दे ला रोज और बुक ऑफ डचेस. बुक ऑफ डचेस का डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है 1368 में, ब्लांच की डेथ हुई थी. ब्लांच कौन थी, ब्लांच आपकी जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ थी. जॉन ऑफ गॉन्ट कौन है, जॉन ऑफ गॉन्ट इज द पेट्रन. जॉन ऑफ गॉन्ट याद रखना किंग के बेटे थे, ही वॉज द सन ऑफ द किंग एंड ही वॉज द पेट्रन ऑफ जॉफरी चौसर. और चौसर की जो लेकिन चौसर की जो वाइफ है फिलिपा रॉट, वील जस्ट टॉक अबाउट इट, उनकी बहन कैथरीन, वील जस्ट सी दिस ऑल्सो, उनकी बहन कैथरीन वॉज जॉन ऑफ गॉन्ट की थर्ड वाइफ.
तो मतलब आप देख पा रहे हो कि क्या दबदबा था एक तरह से जॉफरी चौसर का, और वो उनकी लाइफ भी बच रही है तभी वो ज्यादा नहीं बोलते हैं आपके पुअर क्लासेस की या फिर ऐसी क्लासेस की जो कि मोनार्की के अगेंस्ट खड़ी हो रही है। तो ये याद रखना, नेशनल इंपॉर्टेंस के पहले पोएट क्यों है, क्योंकि ही इज रिसीविंग पेंशन, ही इज रिसीविंग पेंशन, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इसीलिए इनको कहा जाता है फर्स्ट पोएट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। अच्छा, ही इज अ पर्सन हु इज वेयरिंग मेनी हैट्स, इनके पास बहुत सारी आपकी पॉलिटिकल पोजीशंस हैं, दैट ही इज होल्डिंग, जॉफरी चौसर इज होल्डिंग मेनी पॉलिटिकल पोजीशंस एट वन टाइम। और ये चीज हम लोगों ने आपके नाइट स्कूल के चार क्लासेस में भी एक बार जब हम मोनार्की का डिस्कशन कर रहे थे कि आप देख पा रहे हो कि तीन मोनार्क्स के टेन्योर में वो होते हैं, लास्ट वाला तो चलो छोड़ दीजिए, लेकिन जो दो मोनार्क्स हैं ना उन दोनों के ही रेजिम में चौसर को इंपॉर्टेंट पोजिशन दी जाती है। चौसर इज गिवन इंपॉर्टेंट पोजिशन, दैट मीन्स कि उनको पता है कि किस तरह से यू हैव टू डील विथ दीज मोनार्क्स, इनको पता है कि इवन द मोनार्क्स नो कि हाउ इम्पॉर्टेंट ही इज बिकॉज ही इज हैविंग क्रिटिकल फॉरेन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपके जो सारे के सारे स्पाइस होते हैं या रॉ एजेंट्स होते हैं उनके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, दैट इज द रीजन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको आपके टेलीग्राम के वीडियो में पूछा था, अ ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलैब, ये क्वेश्चन आजकल काफी आने लग गया है, पहले ज्यादातर लोग नहीं देखते थे इसको। अ ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलैब, ये आपके जॉफरी चौसर का वर्क है, ये इट वॉज डेडिकेटेड टू हिज सन ल्यूइस, इट वॉज डेडिकेटेड टू हिज सन ल्यूइस। अगर आप देखोगे तो नंस प्रीस्ट टेल के अंदर भी शॉन्टिक्लेयर क्या कर रहा है, शॉन्टिक्लेयर इज ऑल्सो यूजिंग द इंटायर आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन एज वेल एज एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट हो रही थी, वैसे भी आपके एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो रहे थे, लोग एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे थे, तो उसके लिए आपके सी वॉयजेस होती थी, और इन सी वॉयजेस में लोग क्या करते थे, दे यूज टू टेक अ लुक एट हाउ स्टार्स, एस्ट्रोनॉमी कैन हेल्प देम नेविगेट द वे। जैसे अगर आज मैं सी जर्नी अंडरटेक कर रही हूं तो मुझे स्टार्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में मैं जाऊं, किस डायरेक्शन में स्टार्स हैं, स्टार्स के लिए की सहायता से लोग मतलब एक तरह से नेविगेट कर पा रहे थे। तो चौसर ही वॉज मैरिड टू फिलिपा रॉट, फिलिपा रॉट इनकी वाइफ थी, ऑलराइट, और फिलिपा रॉट वॉज वेरी वेल कनेक्टेड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिलिपा रॉट की जो सिस्टर थी कैथरीन, वो जॉन ऑफ गॉन्ट की, जॉन ऑफ गॉन्ट जो कि किंग के बेटे थे, उनकी थर्ड वाइफ बनी थी। तो ही वॉज वेरी वेल कनेक्टेड बेसिकली, ऑलराइट। इनके दो सन्स माने जाते हैं, थॉमस एंड ल्यूइस, एंड यू नो ये प्रोबेबल इन्फॉर्मेशन है, दिस इज नॉट कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन, लेकिन ज्यादातर ये माना जाता है कि थॉमस और ल्यूइस इनके दो बच्चे थे, और इनकी एक डॉटर थी एलिजाबेथ। और ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलैब, ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलैब जो चौसर ने लिखा है, ये इन्होंने अपने बेटे को डेडिकेट किया है। अच्छा, अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है, दैट विच क्लासिकल वर्क इज एक्चुअली गेटिंग इट्स नेम फ्रॉम द सन, कौन सा ऐसा आपका क्लासिकल वर्क है जिसके नेम जो है वो राइटर के सन की वजह से मिल रहा है, और वो जो राइटर है उनके सन और उनके पिता दोनों का नाम एक ही है। सो व्हाट इज द राइट आंसर एवरी वन, व्हाट इज द राइट आंसर दैट वी हैव ओवर हियर इन द बेनिफिट ऑफ टाइम ऑल्सो ओवर हियर, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन है, एज एंड व्हेन पीपल आर ज्वाइनिंग दे कैन वॉच दिस अप ऑल्सो। देखो बच्चे, एरिस्टोटल जो है वो निकोमेनियन एथिक्स लिख रहे हैं, और निकोमेनियन एथिक्स आपके जो वर्क है, ये आपका निकोमेनियन एथिक्स क्या है बच्चे, निकोमेनियन एथिक्स इज अ वर्क, ध्यान से सुन लेना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। निकोमेनियन एथिक्स आपका एक ऐसा वर्क है जो कि एडिट किया गया था निकोमैकस के द्वारा, वी विल टॉक अबाउट इट जब हम क्लासिकल राइटर्स को करेंगे, और निकोमैकस एरिस्टोटल के बेटे थे, सो वहीं से ही इसका नाम पड़ गया निकोमेनियन एथिक्स। निकोमेनियन एथिक्स क्या बताते हैं, ये आपको कुछ एथिक्स एंड वर्च्यूज के बारे में बताते हैं, और ये कहते हैं ये वर्च्यूज ना हमेशा दो वाइसेस के बीच में है, ये वर्च्यूज जो आपके हैं ये हमेशा दो वाइसेस के बीच में छुपे रहते हैं, ऑलराइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल विटीनेस है, विटीनेस है, या तो आप बहुत ज्यादा बोलते हो और बेवकूफी वाला बोलते हो, या आप कुछ भी नहीं बोलते हो, तो दो वाइसेस के बीच में एक वर्च्यू है विटीनेस।
इसी तरह से कई सारे आपके वर्चूज हैं, तो ये याद रखना कि ये जो वर्क्स होते हैं विच आर डेडिकेटेड टू सन्स और डॉटर्स और फैमिली मेंबर्स बाय एमिनेंट राइटर्स, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दैट इन माइंड. ऑलराइट, इसको अच्छी तरह से याद रखना. अब चौसर की जो फैमिली है, सो ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलैब डेडिकेटेड टू हिज सन लुइस, आई होप दैट इज क्लियर. फिलिपा की जो सिस्टर थी कैथरीन, कैथरीन तीसरी वाइफ बन गई थी जॉन ऑफ गॉन्ट की. जॉन ऑफ गॉन्ट की जो वाइफ थी ब्लैंच, जब उसकी डेथ हुई थी तो क्या लिखा था, और उसकी डेथ कब हुई थी, उसकी डेथ आपकी 1368 में हुई थी. उसके लिए चौसर ने लिखा था बुक ऑफ डचेस. बुक ऑफ डचेस क्या है? बुक ऑफ डचेस इज बेसिकली एन एलर्जी, थ्रेनडी, मोनोडी. ये क्या हो जाती है, एक तरह से आपका ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है, एलर्जी, थ्रेनडी, मोनोडी है. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है. एंड इन 1367 किंग एडवर्ड द थ्री ने चौसर को लाइफ पेंशन दे दी थी. चौसर को क्या दे दिया था, लाइफ पेंशन उनको मिल गई थी. तो ये भी पॉइंट आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है. ओके, प्लीज कीप दैट इन माइंड, डू रिमेम्बर इट. ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तभी मैंने आपको कहा कि इनको देखो 67 में क्यों पेंशन मिल रही है, बिकॉज 60 से लेकर 66 तक इनके साथ क्या हो रहा है ये ज्यादातर कहीं पे नहीं पता चलता है. हमें बस ये पता है कि ये कैप्टिविटी में आ गए थे, 58-59 में ये कैप्टिविटी में आ गए थे. फिर उसके बाद ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है 60 से लेके 66 की. तो ये माना जाता है कि उस टाइम पर ये कैप्टिविटी में ही थे, या फिर लाइक यू नो एक तरह से रॉयल्टी ने ही जानबूझ के इनको अंडरग्राउंड कर दिया था, तभी एकदम से इनको रॉयल पेंशन मिल जाती है. अब ये अपने ट्रैवल से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे थे. जब ये फ्रांस गए तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से, लेकिन ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, डोंट नो व्हाट स्पेलिंग्स वर देयर. ठीक है, फ्रेंच पीरियड के अंदर इनका जो फ्रांस का ट्रैवल है वो काफी इंपैक्टफुल रहता है. फिर आपका इटालियन पीरियड तो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम इटालियन राइटर्स को कर रहे थे. फ्रोइजार्ट भी याद रखना, दांते बोकैशियो पेट्रा का तो इन्फ्लुएंस था ही, दांते बोकैशियो पेट्रॉक जो इटालियन राइटर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस तो था ही, फ्रोइजार्ट का भी इन्फ्लुएंस था. ये भी पूछ सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. ऑलराइट, तो पहला फेज आपका फ्रेंच फेज हो गया, दूसरा आपका इटालियन फेज हो गया, और फाइनली आपका क्या हो जाता है, फाइनली आपका इंग्लिश फेज आ जाता है, जिसमें आपकी अनकम्प्लीटेड वर्जन ऑफ द कैंटरबरी टेल्स आ रही है. जिसमें आपका क्या आ रहा है, अनकम्प्लीटेड वर्जन ऑफ कैंटरबरी टेल्स आपका आ रहा है. अच्छा, अब ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, इनकी बरियल की बात करेंगे ऑन डेथ. अच्छा, ये ना क्वेश्चन आपका एक एग्जाम में पूछा गया था, दैट हाउ डिड चौसर डाई. नाउ चौसर की जो डेथ है दैट इज वेरी मिस्टीरियस. एक रिकॉर्ड ये मानता है दैट चौसर वॉज मर्डर्ड, ये भी माना जाता है. और वो क्वेश्चन उन्होंने कैसा दिया हुआ था, पिक दी ऑड वन आउट. एक एक क्वेश्चन, मतलब ये सेम क्वेश्चन उनके डेथ के बारे में दो तरीके से आया हुआ है, ध्यान से सुन लेना. एक क्वेश्चन आया था पिक दी ऑड वन आउट, ठीक है, कि किस लेकिन वो किसकी, इनमें से कौन से राइटर्स की जो डेथ है वो मिस्टीरियस है, और कौन सा लेकिन वो प्रॉब्ली सुसाइड है या दूसरी चीजें हैं. तो आपको याद रखना है क्रिस्टोफर मार्लो और जॉफरी चौसर दोनों की ही लाइफ एक तरह से बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से एंड हो जाती है. चौसर की भी डेथ के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है. एक रिकॉर्ड के हिसाब से तो उनको मर्डर कर दिया गया था, दैट इज व्हाट वाज बिलीव्ड. ऑलराइट, तो उस आंसर में ना वन एंड टू, या फिर जो भी उन्होंने वन एंड थ्री ऐसे करके चौसर दिया था, तो वो आंसर की आपकी सही आंसर की थी. सो डू कीप दैट इन माइंड. और जिस कॉर्नर में इनको बरी किया गया था उसको हम फेमसली क्या कहते हैं, उसको हम पोएट्स कॉर्नर कहते हैं. व्हाट इज दैट फेमसली कॉल्ड एज, पोएट्स कॉर्नर. अब ये एक तरह का स्नैपशॉट है कि कौन कौन से वर्क वो लिख रहे हैं. ये बहुत ही सिंपल सा स्नैपशॉट है आपका अर्ली पीरियड या फ्रेंच पीरियड. अर्ली पीरियड या फ्रेंच पीरियड में एबीसी भी आ रहा है, वैसे इसमें द एबीसी भी आ रहा है, लेकिन नेट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स द बुक ऑफ डचेस, ट्रांसलेशन ऑफ रोमा डेला रोज. रोमा डेला रोज जो आपके पॉल दी म्यून एंड गिलमन डी लॉरेंस की वर्क है, पॉल दी मान एंड गिलमन डी लॉरेंस का जो रोमांस है, सो दैट इज गेटिंग ट्रांसलेटेड ओवर हियर. मिडिल पीरियड में आपके बाकी सारे वर्क्स आते हैं, ठीक है, जैसे आपका हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ फूल्स, ठीक है, आपका ट्रॉयलिस एंड क्रिसीड, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, सॉरी. तो आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स इसी पीरियड में आते हैं, ठीक है. ये सारे आपके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं,
सो सॉरी, ये आपके सारे बच्चे इसी पीरियड में आ रहे हैं। आज हम सिर्फ दो वर्क्स को देखेंगे और कल हम लोग थोड़ा स्पीड से बाकी इंपॉर्टेंट वर्क्स को भी कवर कर लेंगे। देखो, बुक ऑफ डचेस में अगर आपको याद होगा, जिस हम लोगों ने क्लास में 2-3 दिन पहले ही ड्रीम एलिगरी कवर किया था, तो आई होप आपको याद होगा ड्रीम एलिगरी के एग्जांपल्स। जल्दी से फटाफट से मुझे बताइए, ड्रीम एलिगरी के आपके मॉडर्न एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं और ड्रीम एलिगरी के आपके जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स डिस्कस करे थे वो कौन कौन से हैं, फटाफट से बताइए। लेट्स सी, आप लोग इसको कॉमेंट सेक्शन में चैट बॉक्स में फटाफट से लिख के बताइए जो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने करे थे व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट ड्रीम एलिगरी। हाल ही में हम लोगों ने ड्रीम एलिगरी को डिस्कस करा था, इफ यू रिमेंबर दैट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इंपॉर्टेंट वर्क्स और वो किस तरह से ड्रीम एलिगरी से एसोसिएटेड हैं। तो जल्दी से बताइए आपके कौन कौन से एग्जाम्पल्स ड्रीम एलिगरी के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क आ रहे हैं, रोमांसेस आपके हैं, साथ ही साथ में आपके ड्रीम एलिगरी भी आ जाता है। ड्रीम एलिगरी में इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने कहा था नैरेटर सो जाता है और नैरेटर फिर क्या होता है, अल्टीमेटली उनको ड्रीम जो आता है उस ड्रीम के अंदर एक गाइड होता है एंड व्हेन ही गेट्स अप ही नरेट्स हिज ड्रीम। सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू, वेरी गुड, ठीक है, दैट्स गुड। आई कैन सी सम ऑफ यू एट द यूट्यूबर ऑल्सो मैंशनिंग, ग्रेट, फैंटास्टिक, वेरी गुड रिदेशिया, वेरी गुड रिदेशिया, ऑल राइट। ये कौन है, ये कौन है, कार्तिका, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट योर 3 and 8 PM क्लासेस, दोज आर स्केड्यूल्ड इन इंग्लिश बच्चे, बट नॉट दीज वंस, ओके, बट नॉट दीज वंस। चलो, वेरी गुड, फैंटास्टिक, अनन्या ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड अनन्या, ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, राइट, एब्सोल्युटली, द फॉल ऑफ हाइपेरियन, न्यूज फ्रॉम नोवेयर, फिनिगन्स वेक, एक्सलेंट, एक्सलेंट, दैट मींस आप सभी लोग अच्छी तरह से फोकस कर रहे थे, बिल्कुल सही। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स, फिनिगन्स वेक हम लोगों ने डिस्कस किया था, न्यूज फ्रॉम नोवेयर डिस्कस किया था, रिमेंबर एलिस इन द वंडरलैंड, एलिस इन द वंडरलैंड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर ड्रीम एलिगरी, देन फॉल ऑफ हाइपेरियन जो आपका ड्रीम है दैट इज ऑफकोर्स अ ड्रीम एलिगरी, Triumph of Life by P.B. Shelley, बिल्कुल सही। आई थिंक अनन्या has given all the answers, all of them are absolutely correct, सारे के सारे सही दिए हैं, ठीक है, थैंक यू कार्तिका, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। तो प्लीज ये पॉइंटर्स ध्यान में रखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑक्टस सिलेबिक कपलेट्स में लिखी गई है। एंड वॉट इज हैपनिंग यहां पर, देखो आपका ना इसको क्यों एक तरह का ड्रीम विजन कहा गया है, बिकॉज जॉन ऑफ गॉन्ट को बहुत ही डिफरेंट निराले तरीके से प्रेजेंट किया गया है। सो ये आपको सौरो बता रहा है ऑफ द डेड नाइट जो आपका बेसिकली डेड नाइट नहीं है, ही इज अ बिरेव्ड नाइट, बिरेव्ड का क्या मतलब हो जाता है कि आपका कोई संबंधी है हु हैज डाइड, सो यू हैव एक्सपीरियंस्ड बिरेवमेंट इन द फैमिली, यू हैव एक्सपीरियंस्ड बिरेवमेंट इन द फैमिली। तो यहां पर ये आपको दुख दर्द दिखा रहा है एक बिरीव्ड नाइट का, जिसके व्हाट हैज हैपेंड, जिसके वाइफ की डेथ, वाइफ इन द सेंस लाइक यू नो ऑफकोर्स उनकी बिलवड की डेथ हो गई है। तो यू आर सीइंग दैट देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नाइट, दिस नाइट इज रिप्रेजेंटिंग जॉन ऑफ गॉन्ट, ये नाइट आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, दिस नाइट इज रिप्रेजेंटिंग जॉन ऑफ गॉन्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ लिटगेट का अ कंप्लेंट ऑफ द ब्लैक नाइट, अ कंप्लेंट ऑफ द ब्लैक नाइट या कंप्लेंट ऑफ लवर्स लाइफ, ये हम लोगों ने पहले भी 7 PM की क्लासेस में डिस्कस किया था कि लिटगेट का ये वर्क इज एक्चुअली बेस्ड ऑन चॉसर्स द बुक ऑफ डचेस, ठीक है। लिटगेट का जो वर्क है, वैसे भी लिटगेट, जॉन लिटगेट इज कंसिडर्ड टू बी अ चॉसेरियन, एंड इनका जो वर्क है अ कंप्लेंट ऑफ द लवर्स लाइफ या फिर अ कंप्लेंट ऑफ द ब्लैक नाइट, ये कंप्लेंट ऑफ द ब्लैक नाइट इज लाइक यू नो इंस्पायर्ड फ्रॉम द बुक ऑफ डचेस, ऑलराइट। तो यहां पर व्हाट इज हैपनिंग इज दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, द मेन सेंट्रल कैरेक्टर ही फॉल्स अस्लीप जब वो ओविड को पढ़ रहे हैं और अपने ड्रीम के अंदर इनको क्या मिलता है, अपने ड्रीम के अंदर ये एक नाइट को पाते हैं, दिस नाइट इज इन ब्लैक,
एंड दिस नाइट इज रियली क्राइंग वीपिंग वेरी बैडली कि मेरी बिलवड की मृत्यु हो गई है. ही इज वेरी सैड, ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड, ही इज नॉट एट ऑल हैप्पी. ओके, सो व्हाट आर यू एबल टू सी? यू आर एबल टू सी कि आपका जो नैरेटर है वो ओविड पढ़ते पढ़ते सो जाता है. एंड जब वो सो जाता है उनको क्या दिखता है? उनको ब्लैक नाइट दिखता है. व्हाट इज ही एबल टू सी? ही इज एबल टू सी द ब्लैक नाइट. दैट इज व्हाट ही इज एबल टू ऑब्जर्व, दैट इज व्हाट ही इज एबल टू सी. ठीक है. नाउ व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर ओवर हियर, आई वांट यू टू रिमेंबर कि आपका ये जो बुक ऑफ डचेस है, ठीक है, आपका ये जो बुक ऑफ डचेस है इसके अंदर किस तरह से वो नाइट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट. नाइट जो है ही इज रिप्रेजेंटिंग जॉन ऑफ गॉन्ट. और नाइट बार बार यू नो ब्यूटी बताता है, वर्च्यूज बताता है. ही इज टेलिंग, ही इज टॉकिंग अबाउट द बिलव्ड. वो बिलवड के बारे में बता रहे हैं. और फिर सडनली क्या होता है? फिर सडनली आप देखते हो कि नैरेटर जो है वो अपने ड्रीम से जाग जाता है. नैरेटर इज वेकिंग अप फ्रॉम हिज ड्रीम. सो ऑक्टस सिलेबिक कपलेट में लिखा गया है पॉइंट नंबर 1 विच इज इम्पॉर्टेंट. इट इज अ ड्रीम एलिगरी. पॉइंट नंबर 2 दैट इज इम्पॉर्टेंट. नाइट, तो ये वो आपसे पूछ सकते हैं कि जॉन ऑफ गॉन्ट को क्या डिपिक्ट किया गया है. जॉन ऑफ गॉन्ट इज डिपिक्टेड एज अ ब्लैक नाइट. और तभी आपका लिटगेट का आ जाता है कंप्लेंट्स ऑफ अ ब्लैक नाइट. राइट, सो दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी, दैट इज व्हाट यू आर एबल टू ऑब्जर्व. सो ये पॉइंटर्स थोड़े से ध्यान में रखिए. इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे हाउस ऑफ फेम को, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो हमारे कैंटरबरी टेल्स में भी कवर होंगे. लेकिन कुछ पॉइंटर्स जो आप आज ही याद कर सकते हो, ये जो मैंने आपसे टेलीग्राम के वीडियो में भी पूछा था कि अलेक्जेंडर पोप का कौन सा वर्क चौसर से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है. अलेक्जेंडर पोप का द टेम्पल ऑफ फेम, द टेम्पल ऑफ फेम इज एक्चुअली लुकिंग एट चौसर्स हाउस ऑफ फेम. टेम्पल ऑफ फेम क्या देख रहा है बच्चे? टेम्पल ऑफ फेम इज actually looking at the house of fame. तो ये point आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है. This is a point that you have to remember. Okay, second point आप क्या याद रखोगे कि आपका जो litgate भी the temple of glass लिख रहे हैं. So you can see that house of fame which is actually a reworking or a parody of Dante's divine comedy. ठीक है, तो ये खुद क्या है? ये वर्क खुद क्या है? ये वर्क खुद है पैरोडी. ये पैरोडी है ऑफ दांतेज डिवाइन कॉमेडी. वील एक्चुअली कंटिन्यू फ्रॉम दिस पार्ट इटसेल्फ. इट इज अ पैरोडी ऑफ दांतेज डिवाइन कॉमेडी. ये अपने आप डिवाइन कॉमेडी का पैरोडी है. पैरोडी मतलब एक तरह से आप उसको थोड़ा सैटराइज कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो थोड़ा सा, और उसको रीअडेप्ट कर रहे हो अपने वे में. लेकिन इसी से ही इंस्पायर कौन कौन से दो वर्क हुए हैं? टेम्पल ऑफ ग्लास बाय लिटगेट एंड टेम्पल फेम बाय अलेक्जेंडर पोप. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंटर्स भी आप अच्छी तरह से थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना कि डू रिमेंबर दीज. आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर. तो ये वाले पॉइंटर्स आप अच्छी तरह से रिटेन कर पाओगे. यू विल बी एबल टू रिमेंबर दीज पॉइंटर्स बिकॉज ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस कम्स एज इट इज. सो सॉरी. Right, this comes as it is. So it's always a good idea that you're able to remember. You're able to remember all of these in an appropriate fashion. Okay, अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर. Now this is actually leading us. और एक दो और pointers हैं. We will be, जैसे कि मैंने कहा, House of Fame से ही कल हम लोग continue करेंगे. And we will be minutely looking at Canterbury Tales because that is very important. तो अच्छी तरह से लेकिन खाना पीना खा के आइएगा ताकि एक ही गो में हम लोग उसको complete कर सके. Okay, अच्छा, now one more thing that I told you was five important a little unconventional dystopias. तो सबसे पहली आपकी unconventional dystopia क्या है? सबसे पहली आपकी unconventional dystopia है yellow wallpaper. याद है कल मैंने आपको Herland का question पूछा था? I had asked you this question of Herland. Herland is a work that is written by Charlotte Perkins Gilman. ये किसने लिखा है? ये American writer Charlotte Perkins Gilman ने लिखा है, जिन्होंने एक और बहुत famous work लिखा था द येलो वॉलपेपर. येलो वॉलपेपर इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था, लंडन रिव्यू, न्यू इंग्लैंड रिव्यू में पब्लिश हुआ था 1892 के अंदर. एंड येलो वॉलपेपर ये आपको, ऑफ कोर्स कई सारे लोग कहते हैं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन से डील कर रहा है, बट अल्टीमेटली येलो वॉलपेपर जो था इट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट पीस. लेकिन इट इज टेलिंग यू अबाउट अ डिस्टोपियन वर्ल्ड ऑफ पेट्रियार्की, जहां पर पेट्रियार्की विमेन को अपनी लेकिन अपनी पहचान तो छोड़ो, बोलने का भी मौका नहीं दे रही है.
ओके, शार्लेट पर्किंस गिलमन की खुद की फर्स्ट शादी वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस, क्योंकि ना उनको क्या बोला गया था, उनको ना रेस्ट क्योर बोला गया था. रेस्ट क्योर का मतलब क्या है कि सोशलाइज मत करो ज्यादा, ज्यादा लोगों से मत मिलो, जितना हो सके अपने आप में ही रहने की कोशिश करो. तो इनको रेस्ट क्योर प्रिस्क्राइब किया गया था, जो कि इनके लिए बहुत ही ज्यादा एक तरह से क्रिमिनल डिप्रेशन की तरफ इनको लेके जा रहा था. तो प्लीज रिमेम्बर आपके पांच इंपॉर्टेंट अनकन्वेंशनल डिस्टोपियाज कौन कौन से हैं. आपके पांच इंपॉर्टेंट अनकन्वेंशनल डिस्टोपियाज के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्क आता है येलो वॉलपेपर. क्योंकि देखो डिस्टोपिया का क्या मतलब होता है, डिस्टोपिया का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ल्ड विच हैज नॉट गॉन राइट. ठीक है, देखो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं डिस्टोपियन का सिर्फ मतलब होता है अपोकलिप्स. अपोकलिप्स ऑफ कोर्स एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट इट इज आल्सो अ वर्ल्ड गॉन रॉन्ग. यूटोपिया अ वर्ल्ड गॉन राइट, डिस्टोपिया अ वर्ल्ड विच हैज गॉन रॉन्ग. विच हैज गॉन रॉन्ग, एक ऐसा वर्ल्ड जो कि आपका इट हैज गॉन एब्सोल्यूटली रॉन्ग, इट हैज गॉन एब्सोल्यूटली इनकरेक्ट. बेसिकली एक ऐसा वर्ल्ड जो सही नहीं गया, जो सही कास्ट में नहीं आया. दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टोपियन वर्क्स. ठीक है, तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिएगा. दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि येलो वॉलपेपर इज टेलिंग अस. एंड यू नो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सो ये आपका कैसे आया, आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था आपके एंट्रेंस के अंदर, दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्टोपिया विच इज बींग एक्सपीरियंस्ड. एक ऐसा डिस्टोपिया जिसे आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो आपका कहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इज गेटिंग रिप्रेजेंटेड इन वर्क्स लाइक दीज. डिस्टोपिया जो कि लाइक यू नो इट इज गेटिंग कैरी फॉरवर्ड, इट इज यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस डिस्टोपिया ऑन अ रेगुलर बेसिस. ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट. 1984 तो आप सभी को ही पता है, इट इज अ डिस्टोपियन वर्ल्ड जहां पर आपके मेंटल कंट्रोल, या जैसा कि आपका फुकोल्डियन कॉन्सेप्ट है पेनोप्टिकन का, जैसा आपका फुकोल्डियन कॉन्सेप्ट है पेनोप्टिकन का, वेयर द स्टेट इज एबल टू हैव प्रॉपर सर्वेलेंस ऑन यू, दैट इज वेरी विजिबल, दैट्स कंस्पिक्यूअस. हैंडमेड स्टेल भी आप सभी लोगों को पता है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्टोपियन वर्क. यू आर एबल टू सी वाई डिस्टोपियन वर्क, क्योंकि एक टॉक्सिक इज समथिंग विच इज लीथल, जो आपको खा लेता है. जैसे अच्छा यही क्वेश्चन आपका आया था कि यू नो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टोपियन वर्क शोइंग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी मतलब कि मेल्स अपना ही एक तरह से असर्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट बींग सेंसिटिव to the pleas of women. That is what you are able to see and observe. Okay, अच्छा, अब Handmaid's Tale जो आपका है, what I want you to remember about Handmaid's Tale is that it is a must read work. ये आपके वैसे भी exams में आता रहता है. अच्छा, अब ये सारे के सारे जो works है, I'll tell you about this, क्योंकि आज का हमारा जो announcement है ना वो इसी से ही related है, हमारा announcement भी इसी से ही related है, तो we will discuss about that. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर healthy women को क्या किया कहा जाता है, इनको force किया जाता है कि ये produce करे offsprings for the ruling class. रूलिंग क्लासेस के लिए ये ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बायो पावर. फुको क्या कहते हैं इसको, बायो पावर. फुको इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, फुको जब आप किसी के बर्थ या डेथ को भी कंट्रोल करना चाहते हो, वेन एवर यू वॉन्ट टू कंट्रोल द बर्थ एंड द डेथ ऑफ एनी पर्सन, तो बच्चे उसको हम क्या टर्म देंगे, दैट विल बी एसोसिएटेड विद समथिंग विच इज कॉल्ड एज योर बायो पावर. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ऑलराइट, और कैंडिड, व्हाई इज कैंडिड एन एग्जांपल, व्हाई आर वी कंसिडरिंग वोल्टेयर्स वर्क कैंडिड टू बी एन एग्जांपल ऑफ डिस्टोपियन वर्क वर्ल्ड, क्योंकि कैंडिड के अंदर आपको पता चलता है अ वर्ल्ड गॉन रॉन्ग पोलिटिकली. हम लोग कितनी सारी पॉलिटिकल फिलोसफीज को देखते हैं, दैट ओके कम्युनिस्ट लेकिन वो एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस, कैपिटलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस, लेकिन कोई भी फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इज नॉट वर्किंग फॉर यू. दैट इज व्हाट कैंडिड इज रिप्रेजेंटिंग. कैंडिड इज क्लियरली शोइंग यू द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज नॉट हैविंग एनी सोर्स ऑफ सकर, एनी सोर्स ऑफ कंफर्ट. तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि कैंडिड इज शोइंग यू दैट द पॉसिबिलिटीज फॉर ह्यूमंस के हम लोग कंफर्टेबल फील करें, बिल्कुल नहीं है. वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू फील कंफर्टेबल.
पहले क्या होता था, पहले लोगों को प्रॉब्लम होती थी तो कम से कम रिलीजन वॉज एक्टिंग इम्पॉर्टेंटली. इनलाइटनमेंट पीरियड में भी रिलीजन है, इट्स नॉट कि रिलीजन नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग हो रही है. फिर आपका पैराबल ऑफ द सावर, पैराबल ऑफ द सावर, दिस इज ऑल्सो अ वर्ल्ड जो डिस्टोपियन वर्ल्ड है. यू आर एबल टू सी के एक तरह से एक ऐसा लीडर है जो एक बनाना रिपब्लिक चला रहा है. अच्छा, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये पांच आपकी अनकन्वेंशनल डिस्टोपियन वर्क्स हैं. दीज आर योर फाइव इंपॉर्टेंट अनकन्वेंशनल और कन्वेंशनल और सेमी कन्वेंशनल डिस्टोपियन वर्क्स. अब इन सारे के सारे वर्क्स और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपके पीएचडी हो गया, आपका आरपीएससी हो गया, आपका नेट एग्जाम हो गया, आपका सेट एग्जाम हो गया, नेक्स्ट मंथ यही अनाउंसमेंट बेसिकली थी. नेक्स्ट मंथ से आप क्या देखोगे, इनके ऊपर क्रैश कोर्स वर्कशॉप्स चलेंगी जिसका स्केड्यूल मैं आपके आपके साथ शेयर कर दूंगी. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, लेकिन ये याद रखना ठीक है. तो ये सारे के सारे वर्क, जैसे 1984 का प्रॉब्लम आ जाता है कि क्या याद करना है, कौन सा पार्ट याद करना है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है, तो वो आपको क्रैश कोर्स वीडियोस में अच्छी तरह से समझ में आने लग जाएगा. और ये आपकी YouTube पे अवेलेबल होंगी. YouTube पे आपकी क्लासेस कब कब चलेंगी, ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे चलेंगी. अभी तक टाइम जैसे ही प्रॉपरली डिसाइड होगा वो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि 7 है या 10 o'clock है. दैट विल बी कम्युनिकेटेड टू यू, डोंट वरी अबाउट इट ठीक है. तो ये पॉइंटर्स थोड़े 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 याद रखना, इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको एक और क्वेश्चन पूछा था, हैरियट बीकर स्टॉ, हैरियट बीकर स्टॉ जिसने अंकल टॉम्स कैबिन लिखा है वो किसकी आंट है. शार्लेट पर्किंस गिलमन ना, इनके फादर ने इनको अबैंडन कर दिया था, इनके पिता इनको छोड़ के चले गए थे और ये अपने भाई और मॉम के साथ रहती थी. अब इनका जो पर्सपेक्टिव था वो इनकी तीन बहुत ही स्ट्रांग विमेन आंट ने शेप किया था, जो कि थी आपकी इजाबेला बीकरहुकर. ये कौन थी, ये विमेन राइट्स के लिए लड़ रही थी और ब्लैक राइट्स के लिए लड़ रही थी, विमेन राइट्स और ब्लैक राइट्स के लिए लड़ने वाली महिला थी हैरियट बीकर स्टॉ. हैरियट बीकर स्टॉ भी इनकी आंट थी. सो शार्लेट पर्किंस गिलमन की एक आंट थी आपकी इजाबेला, दूसरी थी आपकी हैरियट बीकर स्टॉ और तीसरी थी कैथरीन बीकर, कैथरीन बीचर. कैथरीन बीचर वॉज अ थर्ड आंट. तो आप देख पा रहे हो कि इसी वजह से शार्लेट पर्किंस गिलमन वॉज अहेड ऑफ हर टाइम्स. शार्लेट पर्किंस गिलमन को टॉक अबाउट वुमेन. अच्छा, अपना आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एक एग्जाम में, हम लोग इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं शार्लेट पर्किंस गिलमन में, शॉर्ट स्टोरी के ऊपर कोई भी कोर्स आ रहा है आजकल यूनिवर्सिटीज में, शार्लेट पर्किंस गिलमन उसके अंदर इंक्लूडेड है. कोई भी कोर्स फेमिनिस्ट राइटिंग पे आ रहा है, शार्लेट पर्किंस गिलमन की डेफिनेटली राइटिंग्स आती हैं. थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्या आया था हाल ही में, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग विमेन राइटर्स और विच अमंग द फॉलोइंग राइटर्स सब्सक्राइब्ड और इंडोर्स्ड यूथनेशिया फॉर हरसेल्फ और विच अमंग द फॉलोइंग विमेन राइटर्स कमिटेड अ सुसाइड ठीक है, विच वॉज अ मेडिकल सुसाइड. अब हुआ क्या था, शार्लेट पर्किंस गिलमन की ना फर्स्ट लाइफ, ये सारी चीजें वैसे हम करेंगे, फर्स्ट जो मैरिज थी ना दैट वॉज अ कंप्लीट अटर फेलियर. इनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी हुआ था तो येलो वॉल पेपर कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल लाइफ से भी इंस्पायर्ड है. देन व्हाट हैपेंड, इन्होंने मतलब ऑब्वियसली शी लेफ्ट एंड शी स्टार्टेड वर्किंग फॉर हर सेल्फ. अब उस टाइम पर क्या हुआ, उस टाइम पर यू वर एबल टू सी दैट शार्लेट पर्किंस गिलमन स्टार्टेड लिविंग ऑन हर ओन टर्म्स, अपने टर्म्स पे शी स्टार्टेड लिविंग, शी स्टार्टेड राइटिंग, शी स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्फ्रेंसेस. तो वो पॉइंट आपका देखा जाता है. नाउ हमारे लिए ये पॉइंट क्यों जरूरी है, व्हाई इज दिस पॉइंट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. देखो बच्चे, शार्लेट पर्किंस गिलमन की जब सेकेंड मैरिज हुई थी ना उसके बाद शी डिवेलप ब्रेस्ट कैंसर और इनको ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम पे, मेडिकल कंडीशंस भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी. तो शी डिसाइडेड टू डाई ऑल्सो ऑन हर ओन टर्म्स, शी लिव्ड ऑन हर ओन टर्म्स एंड शी डाइड ऑल्सो ऑन हर ओन टर्म्स. तो इन्होंने एडवोकेट किया फॉर पैसिव यूथनेशिया एंड एट द एंड ऑफ द डे यू नो शी टेकन मेडिसिन बिकॉज इनको पता था उस टाइम पे एक कैंसर ट्रीटमेंट था भी नहीं ज्यादा. सो एज इट इज इफ यू वर डायग्नोस्ड विद कैंसर दैट मीन्स यू डिडंट हैव मेनी ऑल्टरनेटिव्स. So she couldn't really spend each and every day in that frustration. So she decided to use euthanasia to end her life. तो यहां पर what you are able to see is that you know she is a woman who lived by her own terms. She also died on her own terms and she was advocating passive euthanasia for the very first time.
तो ये क्वेश्चंस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अब आपकी जो मई के अंदर आपके जो YT सेशंस होंगे, यूट्यूब सेशंस होंगे, इनका स्केड्यूल मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। उसके अंदर इंपॉर्टेंस दी जाएगी आपके सेमिनल वर्क्स को, आपके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ऑलराइट, तो ये चीज आपको लेकिन बता दिया जाएगा, शेयर दी एंटायर स्केड्यूल, टॉपिक बेस्ड होंगे टेक्स्ट, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होंगे। यही क्वेश्चन बार बार आता है कि विच आर द मस्ट रीड टेक्स्ट, कौन कौन से टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस करना है, तो सब कुछ कवर होगा बेसिकली। ओके, सारी अनाउंसमेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत देखो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपके क्लासेस कम होंगी, उल्टा क्लासेस अब आपकी बहुत बढ़ने वाली हैं। एप्लीकेशन पे भी एक बहुत ही मजेदार सिस्टम आ गया है जहां पे पोल इमीडिएटली हो जाते हैं, लाइव पोल्स। तो कुछ कुछ आपके लिए फ्री एप्लीकेशन सेशंस भी हैं जिसमें आप कनेक्ट करके प्रॉपरली लाइव पोल्स को भी अटेंड कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्लासरूम स्टूडेंट्स को भी बड़ा मजा आ रहा है। यू नो पोल्स होते हैं ना, तो थोड़ा आपको पता चलता है कि वेर आर यू स्टैंडिंग, 30 सेकंड्स में प्रेशर के टाइम पे कैसे आंसर करते हो आप, व्हाट इज द प्रोसीजर। अच्छा, और क्लासरूम स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास थी ना बच्चे, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो पता नहीं कैसे बंद होगी, मैं खुद से बातें करती रह गई एक दो मिनट तक, देन लेटर शुक्र है कि मेरे को रियलाइज हुआ दैट द इंटरफेस हैड गॉन ब्लैंक। तो व्हाट आई विल डू इज टुडेज क्लास ना वी विल आई विल गेट दैट रीशेड्यूल्ड ऑन अ वीकेंड, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो ये पॉइंट अच्छी तरह से आप याद रख लेना। सो डू कनेक्ट ऑन द टेलीग्राम चैनल, सो दैट इज ऑफ कोर्स देयर। चलो लेट्स क्विकली कम ऑन टू योर क्वेश्चंस फॉर टुडे। इन विच लैंग्वेज डिड दांते राइट डिवाइन कॉमेडी, दांते ने डिवाइन कॉमेडी कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? ठीक है, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड ऑन द टेलीग्राम चैनल ताकि आप लोगों को वर्कशॉप्स के बारे में पता चलता रहे। हम लोग लाइक यू नो देर आर मिनी मॉड्यूल्स दैट विल बी कमिंग, देर विल बी वर्कशॉप्स दैट विल बी कमिंग। और पता है क्या है, होता क्या है कि हम लोग ना, क्योंकि अब कोई डेट नहीं आई है, तो वी टेंड टू हैव अ लैकडेसिकल एटीट्यूड विच इज नॉट वेरी गुड। और साथ ही साथ में आपके क्रैश कोर्सेस चलेंगे, क्रैश कोर्सेज, मिनी मॉड्यूल्स, वर्कशॉप्स, सो इन सबकी डिटेल्स यू विल बी गेटिंग, लाइक यू नो आई विल बी एबल टू कम्युनिकेट ऑन द टेलीग्राम channel, so just make sure that you're all connected via the telegram channel। PDFs भी classroom students के notes को छोड़ के बाकी सारी चीजें जो sessions होंगे, workshops होंगे, उनके PDF आपको telegram पे मिल जाएंगे। चलो जल्दी से बताइए what is the right answer here। हाँ तलत, आपका ना आपका फर्स्ट क्लास, तलत हैज आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज एक्सप्लेन द मैप ऑफ यूरोप जो आपने पूछा है ना तलत। बच्चे आपका फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट मई से स्टार्ट हो रहा है, मैं आपके साथ पूरा स्केड्यूल ही शेयर कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। उस फर्स्ट क्लास के अंदर हम यही चीज देखेंगे दैट हाउ आर यू सपोज टू बी स्टडिंग लिटरेचर, आपने लिटरेचर को कैसे पढ़ना है, हाउ आर यू सपोज टू बी स्टडिंग लिटरेचर, दैट इज वॉट वील बी लुकिंग एट। हम लोग यही चीज देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलो जल्दी से बताइए यहां पर वॉट इज द राइट। वेरी गुड, वेरी गुड, ये क्वेश्चन हम लोगों ने वैसे देखा भी था, सो इफ यू वर पेइंग अटेंशन आई डोंट रियली थिंक कि आपको ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली। बच्चे अब टस्कन लैंग्वेज काफी लोग कह रहे हैं, ऑफकोर्स दैट इज देयर, बट टस्कन की जगह यहां पर टस्कन इज नॉट एन ऑप्शन। सो इन विच लैंग्वेज डिड दांते राइट डिवाइन कॉमेडी, दांते ने डिवाइन कॉमेडी किसमें लिखी थी? राइट, इन विच लैंग्वेज? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ZMC हैज आंसर्ड इट करेक्टली। लेट्स सी द क्लासरूम प्लेटफॉर्म कौन कौन आंसर कर रहा है। वेरी गुड, अच्छा कुछ कुछ लोगों ने इटालियन कर दिया है। विद्या, नो बच्चे, इना इज गिवन द राइट आंसर, सुमेरा इज गिवन, सुमेरा वेरी गुड, सुमेरा इज गिवन द राइट आंसर, गीता इज गिवन द राइट आंसर। अच्छा, इना हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन, क्रैश कोर्सेज विल हेल्प मी इन एमए एंट्रेंसेस? यस 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 इना, बच्चे मैं आपको ना एमए एंट्रेंसेस के लिए भी वी विल जस्ट अपलोड अ फ्यू वीडियोज ऑन द ग्रेड अप लाइब्रेरी। सो आप मुझे एक बार ना बच्चे डाउट प्लेटफॉर्म पे ना लिख के दे देना, आई सॉ योर डाउट्स, आई विल बी आंसरिंग टू दैट ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट इट। It's just that, you know, around there are so many people falling sick that you're nursing them. Anyway, send me that particular doubt. I will take a look at that. Aur aap mujhe na usme date likh dena ki aapka MA entrance tentative kab hai. And then I will supply some videos that will be specifically there for your MA entrance. ठीक है? और JNU के MA entrance के लिए ना एक book आती है जो आपको JNU campus से ही मिलती है. It is a book, I'm forgetting the name of the author. It's वहीं के ही ना एक professor हैं. उन्हीं की एक book है और वो सिर्फ JNU कैंपस में ही मिलती है। इट इज अ वेरी ओल्ड बुक और वहां पर इफ यू गो टू द फोटोकॉपियर ही विल बी एबल टू गिव यू दैट बुक, सो यू कैन टेक दैट बुक, उसमें आंसर्स लिखे हुए हैं एंड इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल।
So Ina, that will of course really work wonders. Wonderful. Most of you have given the right answers. Most of you have answered it correctly. So Latin is the right answer, bachche. ठीक है? Latin is the right answer. Italian writer हैं, but ये Italian language में नहीं लिख रहे हैं. हम लोगों ने क्या कहा था, इटालियन लैंग्वेज को डेवलप कौन कर रहा है? इटालियन लैंग्वेज को प्रॉपरली डेवलप कर रहे हैं बोकैशियो. और बोकैशियो जब लिखते हैं, दांते की ऑलरेडी डेथ हो चुकी होती है, राइट? दांते की एक तरह से आप देख रहे हो कि दांते इज एक्चुअली बिकमिंग वर्चुअली इनफेक्टिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. ओके, विच जेकोबियन पोएट रोट एन ओड टू हिमसेल्फ? ओड क्या होती है? ओड्स आर सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ योर सेल्फ. सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ योर सेल्फ, दैट इज ओड. प्रेज ऑफ योर सेल्फ, वो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ओड कहते हैं. चलिए जल्दी से बताइए, वॉट इज द राइट आंसर? मेनिका बच्चे, यू नो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम एंड वी वर देयर, नो आई रिमेम्बर the name. It's just that you have to go to the JNU campus and there is this photocopier bhaiya, and if you ask them that, you know, I'm preparing for MA entrance in English, he would give you that photocopied notes. I think A se hi naam hai professor ka, I think Anil hai ya Amit hai, and he's not even currently there in JNU, but sab log unki refer karte hain, they all refer. It's and forget about reference, it's actually a very good guide. I would say that will also help you in your NET exam. I will try and see if I can find it somewhere in my closet. I will let you know the exact name. Theek hai, chalo jaldi se bataiye, what is the right answer here? What becomes the correct answer? What is the right answer here? Whom are we talking about? Which Jacobian poet wrote an ode to himself? He was writing an ode to himself. What is the right answer? Yahan par aapka right answer kya ho jata hai? Very good, very good. Perfect, perfect, perfect. Classroom students mein se kisne kisne answer kar diya hai? Very good. Vidya ne kar diya hai, sahi jawab diya hai. Rudesha has given the right answer. Geeta has given the right answer. Bhagishri has given the right answer. Shubhangi has given the right answer. Sneha, yes, yes, yes. Absolutely, Sneha. That is true. ठीक है, मैंने आपको बोला भी है, he is a very important person. Ode to Himself is a work that is written by Ben Jonson. Ben Jonson is the Jacobian poet who is writing Ode to Himself. ये क्या लिख रहे हैं? He is writing Ode to Himself. This is something that you have to keep in mind. So an ode to himself is a work that is written by Ben Jonson. Okay, chalo next pe aate hain. Thomas Occleves, the regiment of princess, the regiment of princess mourns the death of. आपको याद रखना है, आपके चौसेरियन से सिंपल येट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यू नीड टू बी इन प्रॉपर ग्रिप ऑफ इंफॉर्मेशन के वो लोग क्या क्या लिख रहे हैं, व्हाट ऑल आर दे राइटिंग. सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया. थॉमस ऑक्लीव, द स्टुपिड स्कॉलर ऑफ एन एक्सलेंट मास्टर इज ऑक्लीव, राइट? द फेमसली कॉल्ड एज अ स्टुपिड स्कॉलर ऑफ एन एक्सलेंट मास्टर. So regiment of princess किसकी death को mourn कर रहा है? It's a very simple question, very very simple question. Fantastic, fantastic, right? बिल्कुल सही. जिन जिन लोगों ने D दिया है, that is right. Sumaira, Rabia, बच्ची गीता, देखो regiment of prince जो है, that is mourning the death of Geoffrey Chaucer अजय. ठीक है, it's not mourning the death of anyone else but Geoffrey Chaucer. Thomas Occleve is writing the regiment of prince, and ye of course hum log karenge bhi, we will be discussing about this. Chaucerians aapke jo hain, you are having your Scottish Chaucerians, you are having your English Chaucerians, in sab ko hum log cover karenge. But please remember, Thomas Occleve is a writer who is dedicating his work to Geoffrey Chaucer, or वैसे भी it was considered to be a kind of a tribute that he was giving to Chaucer. ye kya thi, ye ek tarah ki Chaucer ke upar ye tribute de rahe the. yaad rakhna, aapke questions aate hain Oxford वर्ड रिफॉर्मर्स से, आपके स्कॉटिश चौसेरियंस, इंग्लिश चौसेरियंस से, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. इंग्लिश चौसेरियंस में कौन कौन आ रहा है, आपका हॉकलीव हो गया. अच्छा, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था दैट जॉर्ज एशबी कौन है. दिस वॉज अ क्वेश्चन दैट हैड कम, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी हु इज जॉर्ज एशबी? वेन वी आर टॉकिंग अबाउट जॉर्ज एशबी, हु इज जॉर्ज एशबी, ये कौन है? जॉर्ज एशबी कौन है, जल्दी से बताइए. जॉर्ज एशबी, ये जो नाम आप देख रहे हैं जॉर्ज एशबी का, या आप साथ ही साथ में मुझे ये भी बता दीजिएगा दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेनरी ब्रैडशॉ, ये कौन है? हेनरी ब्रैडशॉ हो गए, जॉर्ज एशबी हो गए. दीज क्वेश्चंस हैव बीन कमिंग, जॉर्ज रिप्ले,
जॉर्ज रिप्ले इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. इनको हम कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. लेकिन ये कौन है, हु आर दीज पीपल? जॉर्ज एशबे, हेनरी ब्रैडशॉ, जॉर्ज रिप्ले, ये सब कौन है? वॉट आर दी फेमसली कॉल्ड एज? वॉट आर दी फेमसली कॉल्ड एज? Anuradha, no, they are not Scottish Tosserians. Anyone from the classroom platform who's answered it? Shubhangi has given the right answer. Shubhangi has given the right answer. Very good, Shubhangi. Very good, Shubhangi. ठीक है, ये आपके English Tosserians हैं. ये कौन है आपके? These are your English Tosserians. English Tosserians हैं आपके Ashby. इसको लिख लो, George Ashby, Henry Bradshaw, George Ripley. ये सब आपके English Tosserians हैं. अच्छा, अब उन्होंने ना एक question दिया था आपको, pick the odd one out. और उसके अंदर उन्होंने आपको क्या ऑप्शन दिया था, अब मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछ रही हूं. ठीक है, अब मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछ रही हूं, पिक द ऑड वन आउट. ओके, जॉर्ज एशबे था, आप लोग ऑड वन आउट पिकअप करना है, यू हैव टू पिक द ऑड वन आउट. एंड जॉर्ज रिप्ले हैड कम इन योर एग्जाम, दिस वाज अ क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन योर एंट्रेंस एंड नन ऑफ द अबव. आपको क्या करना है, यू हैव टू पिक द ऑड वन आउट, नन ऑफ द अबव. इसमें ऑड वन आउट को एक बार पिकअप करना, प्लीज पिकअप द ऑड वन आउट वेरी क्विकली, वेरी वेरी क्विकली. यस, वेरी गुड विशाल, बिल्कुल सही. इसमें बच्चे एक बार ऑड वन आउट को पिकअप कीजिए, प्लीज पिकअप ऑड वन आउट. जस्ट मेक श्योर दैट यू आर पिकिंग अप ऑड वन आउट. थॉमस नॉर्टन, जॉर्ज एशबी, जॉर्ज रिप्ले, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. व्हाट इज, ये ही गलती आप सब बच्चों ने कर ली थी. इना, शुभांगी, राबिया, शशि कह रहे हैं ए, थॉमस नॉर्टन. बच्चे ये थॉमस नॉर्टन आपके गोरबो डक के ऑथर नहीं है, नॉर्टन एंड सैक्विल, याद है? हु इज गेटिंग ब्लैंक वर्स इन ट्रेजेडी? नॉर्टन एंड सैक्विल आर गेटिंग ब्लैंक वर्स इन ट्रेजेडी. याद है ये पॉइंट हम लोगों ने करा था कि ब्लैंक वर्स ड्रामा के अंदर कौन लेके आ रहा है? ब्लैंक वर्स ड्रामा के अंदर लेके आ रहे हैं आपके थॉमस नॉर्टन. अब बच्चे ये थॉमस नॉर्टन आपके गोरबोडक वाले थॉमस नॉर्टन नहीं है, ही इज नॉट योर द राइटर ऑफ गोरबोडक. ये आपके गोरबोडक वाले राइटर नहीं है. नन ऑफ द अबव वाज द करेक्ट आंसर. ये भी आपके, सो यू नो, थॉमस नॉर्टन, जॉर्ज एशबी, जॉर्ज रिप्ले, हेनरी ब्रैडशो, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर इंग्लिश चौसेरियंस. अब गॉन आर द डेज के आपको बाकी इजी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दीज अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर आल्सो कमिंग अप इन अ वेरी बिग वे. ठीक है, तो ये आपके जो थॉमस नॉर्टन है, प्लीज रिमेम्बर, ही इज नॉट द थॉमस नॉर्टन जिन्होंने गोरबोडक लिखा है. एक और क्वेश्चन जो आपका चौसेरियन से पूछा जाता है कि मकर्स कौन है, व्हाट डू आई मीन बाय द टर्म मकर्स, ये हम कवर करेंगे, डोंट वरी. लेकिन क्योंकि ऑक्लीव के नोट्स बना रहे हैं, आप देख रहे हो, यू कैन एक्चुअली इंक्लूड दैट. मकर्स कौन है बच्चे, हु आर मकर्स? नो वरीज, नो वरीज, दैट्स ओके नरेंद्र. मकर्स कौन है बच्चे, व्हेन वी आर रेफरिंग टू दिस वर्ड मकर्स, मकर्स कौन थे आपके, मकर्स कौन थे? In a see here, you need to understand that Thomas Norton picked the odd one out. Norton is also a name. Just say, for example, अगर आपका Samuel Butler दिया हुआ है, Samuel Butler दिया हुआ है, then they have given you two other Puritan works. So आपको पता है कि ये Samuel Butler मेरा Erewhon का Victorian age या modern age वाला Samuel Butler नहीं है, ये मेरा Samuel Butler Hudibras का Samuel Butler है. तो वो तो आपको contextually question से पता चल जाता है. ठीक है, तो ये आपको इसको याद रखना है. ओके 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 ओके, यस यस, गुड शुभांगी, यू आर वेरी क्लोज. देखो बच्चे, जो आपके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्कॉटलैंड से, जो आपके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्कॉटलैंड से आ रहे थे, नॉर्दर्न स्कॉटलैंड से जो लोग, जो राइटर्स आ रहे थे, जो बाद में आपके स्कॉटिश चौसेरियंस बनते हैं, उनको मकर्स कहा जाता है. व्हाट आर दे फेमसली कॉल्ड एज? वेरी गुड, वेरी गुड. रंजना हैज गिवन द राइट आंसर. मॉडर्न डे महाराजा हैज गिवन द राइट आंसर. आकांक्षा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी एक्सेलेंट आकांक्षा. Absolutely, lament of Mukers. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Absolutely correct. Very good, wonderful. बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने. Please याद रखना, 15th century को क्या बोला जाता है, ये question आपका आता है. 15th century को golden age of Scottish poetry कहा जाता है. It is very famously called as a very important period, golden age of Scottish poetry. जो आपकी Scottish poetry है, उसका golden age माना जाता है. This is considered to be the golden
गोल्डन एज ऑफ स्कॉटिश पोएट्री. नाउ जब यू आर टॉकिंग अबाउट मकर्स, मकर्स आपके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्कॉटलैंड के जो राइटर्स थे जो बाद में जाके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे चौसर से, स्कॉटिश चौसेरियंस आपके बन गए थे एक तरह से, तो ये आप देख पा रहे हो दे आर इम्पॉर्टेंट राइटर्स जिनको मकर्स कहा जा रहा है. हम लोग चौसेरियंस को भी अच्छी तरह से कवर करेंगे एक लेक्चर के अंदर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट प्लीज कीप ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन माइंड. हमें क्या लगता है विलियम डनबर हो गया, फिर आपका हेनरीसन हो गया, किंग जेम्स द फर्स्ट हो गए, तो यही आपके इंपॉर्टेंट स्कॉटिश चौसेरियंस है? नहीं, आपके लेकिन नेम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंग्लिश एंड स्कॉटिश चौसेरियंस से ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको याद रखना बच्चे. लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सॉन्ग फुल फैदम फाइव दाय फादर लाइज अकर्स इन द प्ले, कौन से प्ले में आ रहा है ये? यस, वेरी गुड वेरी गुड. लमेंट ऑफ द मकर्स इज द राइट आंसर, वेरी गुड. चलो जल्दी से बताइए बच्चे, व्हाट इज द राइट आंसर दैट यू आर हैविंग ओवर हियर, व्हाट इज द राइट आंसर हियर? बी वेरी केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग द आंसर. The song Full Fathom Five Thy Father Lies, Full Fathom Five Thy Father Lies, what is the correct answer here? Very good, Lily has given the right answer, Santa has given the right answer, Ranjana, Sharbari, Zahida, Sharbari has not given the right answer, Anshul Sharma, Shabash Bache. Everyone here has given the right answer. Let's see at the classroom platform. Yes, very good. देखो मैंने आपको कई बार बताया टेम्पेस्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है. टेम्पेस्ट से ही आपका, याद है कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ब्रेव न्यू वर्ल्ड का जो टाइटल है वो टेम्पेस्ट से आ रहा है. टेम्पेस्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट है प्रोस्पेरोज वाइफ का, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, कि विमेन तो कैरेक्टर्स ही नहीं है, सिर्फ मिरांडा है, प्रोस्पेरो की वाइफ एबसेंट है. ठीक है, सो दैट इज वॉट यू आर एबल टू सी. नाउ टेम्पेस्ट की जो लाइन्स है, टेम्पेस्ट का जो स्ट्रक्चर है, टेम्पेस्ट का जो कलोनियलिज्म या पोस्ट कलोनियल रीडिंग है, एवरीथिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. तो आपके कुछ कुछ शेक्सपियरियन प्लेस, आपका होकेम हो गया, यू नीड टू हैव देम ऑन योर फिंगर टिप्स, आपके मिड नाइट्स चिल्ड्रन हो गया, फिर आपका लाइक यू नो एज यू लाइक इट हो गया, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट कॉमेडीज दैट यू नीड टू रिमेंबर. रोमन ट्रेजेडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ जूलियस सीजर एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, क्वेश्चन आते हैं आपको इन डिटेल. रोमांसेज में से ऑफकोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोमांसेज दैट यू आर हैविंग इज टेम्पेस्ट. सिंबलीन एंड पेरिक्लीज से बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं. तो शेक्सपियर को भी आपने सिलेक्टिव स्टडी करना है. आज अगर जो आपने आई थिंक 5 PM पे लेकिन जो इंटरव्यू हुआ था उसका भी लिंक मैं क्या करूंगी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी. शालू का बच्ची का इंटरव्यू हुआ था, तो यू नो दो चीजें जो आप शालू के इंटरव्यू से लेके जा सकते हो. ऐसा नहीं कि ठुक के बैठ के एक ही टॉपिक पढ़ो तो आपका माइंड भी बोर हो जाता है. थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की चीजें पढ़ो, आपके माइंड को भी इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन उसको नोट डाउन एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से करो. जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने थोड़ा सा शेक्सपियर के ऊपर पढ़ लिया, आज आपने थोड़ा सा लेकिन वो मेटाफिजिकल पोएट्स के नोट्स अपडेट कर लिए, आज आपने थोड़ा सा करिबियन लिटरेचर के ऊपर रीड कर लिया. तो थोड़ा थोड़ा वराइटी रखो एंड दैट विल रियली बी प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लेकिन इन सारी चीजों को कंपाइल अच्छी तरह से करो, डोंट फॉरगेट टू कंपाइल देम इन अ प्रॉपर मैनर. तो यही चीज आपकी बोली गई थी जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, और ये कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जिनको अगर आपने ओरिजिनली पढ़ा होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा. राइट, दीज आर सम टेक्स्ट दैट यू कैन एक्चुअली रीड इट ओरिजिनली. चलो लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज, दीज लाइन्स अकर इन, कहां पर ये लाइन्स आपकी देखी जा रही हैं? दीज लाइन्स आर क्लियरली विजिबल इन विच वर्क? राइट, आई विल गिव यू अ हिंट जिसके बाद आप सभी लोगों को आ जाना चाहिए. थॉमस डी क्विंसी इज ऑल्सो राइटिंग एन एसे ऑन दिस वर्क. थॉमस डी क्विंसी जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोमांटिक प्रोज राइटर हैं, थॉमस डी क्विंसी इज एक्चुअली राइटिंग अ प्रोज वर्क, अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑन दिस प्ले विच यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड ओवर आर्चिंग एम्बिशन की वजह से कैरेक्टर का डाउनफॉल होता है. वाई इज द कैरेक्टर हैविंग अ डाउनफॉल? बिकॉज ऑफ ओवर आर्चिंग एम्बिशन. फैंटास्टिक, मकबेथ इज द राइट आंसर आई थिंक. एंड ऑन यूट्यूब एवरी वन आंसर इट करेक्टली. यहां पर भी अभृति हैज आंसर इट, शशि हैज आंसर इट. राइट, वेरी गुड. यस शुभांगी, एब्सोल्यूटली दैट्स ट्रू. पूजा, शुभांगी, देर इज चंदा, देर इज मोक्षश्री. हैमलेट इज नॉट द राइट आंसर बच्चे. इना ने बिल्कुल सही जवाब दिया. जमीला,
स्नेहा, यस शुभांगी, दैट इज ट्रू, वेरी गुड. शुभांगी इज इन फुल फॉर्म, वी वॉन्ट जी आर एफ नाउ. ओके, वॉट जानर डज शेलीज प्रोमीथियस अनबाउंड बिलोंग टू? हम लोगों ने इसको भी डिस्कस किया था. आई होप आपने ये नाइट स्कूल के क्लासेस के अंदर ही, हम लोगों ने आपके कुछ क्वेश्चंस किए थे अगर आपको याद होगा, रोमांटिक ड्रामा के ऊपर, रोमांटिक एज में जो आपका ड्रामा आ रहा है उसके जो क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे. तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली. चलो जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर हियर. यहां पर व्हाट बिकम्स द करेक्ट आंसर व्हेन यू आर लुकिंग एट, एक तो किसके खिलाफ है वो, टिरनी ऑफ ज्यूस. जो आप टिरनी देखते हो, द टिरनी दैट यू आर एबल टू सी, टिरनी ऑफ ज्यूस जो आप देख पाते हो उसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी. चलो जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर. शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड. आई होप क्लासरूम स्टूडेंट्स ने भी सही जवाब दिया है. बच्चे देखो, ट्रेजेडी है, कुछ लोग जो ट्रेजेडी बोल रहे हैं, ट्रेजेडी नो डाउट है, इट इज डेफिनेटली एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजेडी, दैट इज डेफिनेटली देयर. बट दिस पर्टिकुलर वर्क इज प्रिडोमिनेंटली एन एग्जाम्पल ऑफ योर पोएटिक ड्रामा. पोएटिक ड्रामा की कैटेगरी के अंदर आ रहा है, इट इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ योर पोएटिक ड्रामा. दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, वर्स प्ले बेसिकली, जो आपका वर्स प्ले हो जाता है, वर्स प्ले के कैटेगरी में आ रहा है. ये ना आज ही घर जाते ही, क्योंकि हम लोगों ने इसी हफ्ते किया था. आप जो आपके नोट्स हैं, या अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाके इस वाली क्लास का जो पीडीएफ है उसको अच्छी तरह से देख लेना. वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रोमांटिक एज का आपका ड्रामा है, क्योंकि हम लोगों को रॉब्सपियर तो याद रहता है लेकिन बाकी सारे वर्क्स हम याद नहीं रख पाते हैं. रोमांटिक एज के ड्रामा, रोमांटिक एज का ड्रामा नॉवल बहुत ज्यादा जरूरी है. वो जानबूझ के इससे क्वेश्चंस देते हैं. नॉन फिक्शनल प्रोज राइटिंग से भी आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज दे नो कि सब लोग पोएट्री पढ़ पढ़ के तो पागल हो गए होंगे, बट दीज आर द वर्क्स दैट पीपल विल निग्लेक्ट, दैट इज समथिंग दैट दे वॉन्ट टू टेस्ट, बिकॉज वो आपके लिटरेचर एनालिसिस के लिए भी जरूरी है. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबका सही आना चाहिए. लेट्स सी व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉवल. मैं आपको बार बार बताई जा रही हूं कि थॉमस हार्डी को जरूर करिएगा. थॉमस हार्डी को हम लोगों ने भी क्लासेस के माध्यम से, जो आपकी 7 PM की क्लासेस होती थी, वी आर हैविंग एटलीस्ट 2 to 3 लेक्चर्स ऑन हार्डी. यू कैन टेक अ लुक एट देम, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. थॉमस हार्डी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव. आपका जूट द ऑब्स्क्योर हो गया, आपका मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज हो गया, Far From The Madding Crowd हो गया, everything, you name it and it's important. Hardy की poetry, they're very important. You get questions from Hardy's poetry as well. ठीक है, what is the right answer? Lily has given the right answer. Very good, very good. Lily is answering like, you know, absolutely correct answers. That is fantastic. चलिए यहाँ पर किसका है, excellent. Classroom students ने यहाँ पर except for Jamila, I think बाकी सबने सही जवाब दिया है. Jude the Obscure is the right answer. Jude the Obscure, a very important work. Hardy वैसे भी he was representing the pessimism. जो लेटर पार्ट ऑफ द विक्टोरियन सेंचुरी का पेसिमिज्म था, दैट वाज गेटिंग रिप्रेजेंटेड बाय थॉमस हार्डी. हम लोग क्या देख पा रहे थे, वी वर एबल टू सी दिस एलिमेंट ऑफ पेसिमिज्म दैट वाज क्लियरली विजिबल इन हिज वर्क्स, दैट वाज एब्सोल्युटली विजिबल इन हिज वर्क्स. और आपका जूड द ऑब्स्क्योर जो है, व्हेन यू आर लुकिंग एट जूड द ऑब्स्क्योर इज क्लियरली मैग्निफाइंग दैट एलिमेंट ऑफ पेसिमिज्म. हार्डी के एक एक वर्क इंपॉर्टेंट है. अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, आज ही जाके एटलीस्ट कंपाइल देम टुगेदर, टेक अ लुक एट देम, और या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार उसको गो थ्रू करिए, रीड कीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, क्वेश्चंस आपके ड्रामा के, थिएटर के, लाइक यू नो इंपॉर्टेंट जो आपके थिएटर्स हो रहे हैं उन सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. चलो लेट्स सी व्हाट बिकम्स द करेक्ट आंसर. जल्दी से बताइए व्हाट इज बिकमिंग द राइट आंसर. जल्दी से बताइए, इन विच ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ड. कौन से साल में आपका ग्लोब थिएटर बिल्ड हुआ था, विच ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ड. जाहिदा, वी हैव एक्चुअली हैड लाइक यू नो 2 to 3 लेक्चर्स ऑन हार्डी, बट हम लोग फिर भी लाइक यू नो अगेन कंटिन्यूइंग द सीरीज, वी विल बी लुकिंग एट हार्डी अगेन, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ठीक है, हम लोग हार्डी को कंटिन्यू रखेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. चलिए जल्दी से बताइए यहां पर व्हाट बिकम्स द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द राइट आंसर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोब थिएटर. इन विच ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ड. ग्लोब थिएटर कब आपका बिल्ट हुआ था. बी वेरी क्लियर अबाउट दिस आंसर. डोंट गिव इनकरेक्ट आंसर्स. वेरी गुड, लक्ष्मी कुमारी हैज गिवन द राइट आंसर. यशोदा चौधरी हैज गिवन द राइट आंसर.
अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड. बच्चे जो लोग 79 कर रहे हैं ना, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द थिएटर, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कि आपका कब, लाइक यू नो, आपका 1570s के अंदर यू आर हैविंग द थिएटर कम इन टू प्रोमिनेंस. तो आपके वो सारे थिएटर्स आ रहे हैं. ग्लोब इज वेरी गुड. धेनु, शशि, गीता, भागुश्री, एवरी वन इज गिवन द राइट आंसर. ठीक है, देखो 1569 में तो, देखो 1558 में तो आती ही हैं क्वीन एलिजाबेथ, थोड़ा सा वो टाइम ले रही हैं देख रेख करने में. 1588 तक आपका डच डिफीट हो जाता है, स्पेनिश अरमाडा का डिफीट हो रहा है, स्पेनिश अरमाडा का जो डिफीट है. सो प्लीज ट्राई एंड कनेक्ट थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर. यस रिदेशिया, एब्सोल्युटली. इट वॉज ऑल्सो बर्नड, इट वॉज ऑल्सो बर्नड. आपको थिएटर के बारे में पता होना चाहिए, थिएटर के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपके थिएटर के हैं वो सब आपको ऑन योर फिंगर टिप्स होने चाहिए. दीज आर सर्टन क्वेश्चन दैट आर कमिंग रेगुलरली विच यू नीड टू डेफिनेटली नो. ये आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक क्वेश्चन आता है कि हमें शेक्सपियर के थिएटर के बारे में कैसे पता है, थ्रू हेंसलॉस बुक, राइट. हमें फिलिप हेंसलॉ की जो बुक है, जो बेसिकली किराने की शॉप का डिटेल बता रहा है, दैट इज गिविंग अस ऑल द इन्फॉर्मेशन, दैट इज गिविंग अस ऑल द इन्फॉर्मेशन. वो पॉइंटर्स आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं. दोज आर सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर. ओके, और कुछ कुछ लेकिन हम लोग वैसे ये थिएटर की टाइमलाइन को अच्छी तरह से कवर करेंगे. दिस थिएटर टाइमलाइन विल बी कवर्ड. आपको पता होना चाहिए कि जेम्स बाबिज को कब परमिशन मिल रही है, कैसे कैसे आपके बाकी सारे थिएटर्स आ रहे हैं. सो ग्लोब थिएटर इज ओपन्ड इन 1599 ऑन द बैंक साइड. ग्लोब थिएटर इज ओपन्ड ऑन लाइक यू नो 1599 ऑन द बैंक साइड. कहां पर आपका ग्लोब थिएटर आता है? ग्लोब थिएटर इज कमिंग ऑन द बैंक साइड. दैट इज वॉट यू आर एबल टू ऑब्जर्व. ऑलराइट, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस है. थिएटर की टाइमलाइन को वैसे भी हम लोगों को अच्छी तरह से करना पड़ेगा. कौन कौन से थिएटर हाउसेस आ रहे हैं, कौन कौन से ईयर्स में आ रहे हैं, आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे. देयर इज नो नीड टू वरी, बट डू रिमेम्बर दैट दे आर इंपॉर्टेंट. ओके, जस्ट रिमेम्बर दैट. जॉर्ज एलियट्स रमोला इज अ हिस्टोरिकल नॉवल विच इज सेट इन विच सेंचुरी. रमोला द हिस्टोरिकल नॉवल इज सेट इन विच सेंचुरी, जल्दी से बताइए. वॉट इज द राइट आंसर? ममता बच्चे, देर इज अ हेल्पलाइन नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट देम. बहुत अच्छे लोग हैं, दे विल बी एबल टू गाइड यू करेक्टली. ठीक है बच्चे, दे विल बी एबल टू गाइड यू करेक्टली. और वैसे सर मैम जो हैं वो भी आपको लाइक यू नो भेज रहे हैं, अगर आप देखोगे तो. अच्छा, वो फेसबुक पेज का उन्होंने नोटिफिकेशन भेजा है, लेकिन वो क्लास का भी भेजते रहते हैं ममता, तो आप देख सकते हो उसको भी. ओके, आंसर इट करेक्टली, आंसर इट करेक्टली. जल्दीबाजी में मत रहिएगा, जल्दीबाजी में मत रहिएगा. रमोला कौन से सेंचुरी में सेट है? When you're talking about Romola, Romola is set in which century? When we are discussing about Romola, वैसे भी आपकी जॉर्ज इलियट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है. यू नीड टू नो अबाउट दिस नॉवल, नॉट ओनली दिस नॉवल, जॉर्ज इलियट के बाकी सारे वर्क देर ऑल्सो क्रूशल. एंड रिमेंबर, इट इज अ हिस्टोरिकल वर्क, इट इज अ हिस्टोरिकल वर्क दैट वी आर हैविंग. तो उसका टाइम पीरियड, इसका सेटिंग क्या है, कौन से टाइम पीरियड में ये सेट है? नहीं 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 नहीं, सब गलत दे रहे हैं. हाँ, ज्यादातर सब बच्चों का गलत आया है. कुछ कुछ बच्चों ने, ओके, रंजना इज गिवन द राइट आंसर. नाउ आप सब लोग 1862 में तो ये पब्लिश हो रही है, तो 19th सेंचुरी में तो ये पब्लिश हो रही है, लेकिन ये बात कौन से टाइम पीरियड की कर रही है? क्लासरूम स्टूडेंट्स, आपने क्या से, वेरी गुड. शुभांगी इज गिवन द राइट आंसर, भागश्री इज गिवन द राइट आंसर, वेरी गुड. विद्या इज गिवन द राइट आंसर. अच्छा, आप लोग जब सीडी लिखते हैं ना, तो वो मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता है, वो सही आंसर जो है. कोई बात नहीं, इना डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन हाउ टू गेट लाइक यू नो प्रॉपर कंपाइलेशन ऑफ ऑल दीज डिटेल्स एंड कीप ऑन रिवाइजिंग देम. ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा. ऑब्जेक्टिव पेपर का यही तो एक बेनिफिट होता है. ठीक है, यस यस, तलत अंजुम, दैट इज राइट, तलत अंजुम, दैट इज राइट. बच्चे 15th सेंचुरी है ना राजे, 15th सेंचुरी इज द राइट आंसर. कौन से सेंचुरी में रमोला सेट है? रमोला इज अ वर्क विच इज सेट इन द 15th सेंचुरी. ठीक है, ये आपकी हिस्टोरिकल नॉवल है जो कि 15th सेंचुरी में आती है. जैसे यही मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप लोग कई सारे लोग पूछते हैं कि कौन से बुक को रेफर करें. अगर आप अपने ऑनलाइन रिसोर्सेज को भी रेफर करेंगे तो आपको गूगल सर्च करते ही सबसे पहली यही लाइन दिखेगी, इट इज अ हिस्टोरिकल नॉवल विच इज रिटन और सेट इन द 15th सेंचुरी. It is a historical work which is set in the 15th century. ठीक है, और भी चीजें आपको पता होनी चाहिए इस वर्क से रिलेटेड, बट एटलीस्ट टाइम, पब्लिकेशन,
जॉर्ज एलियट किस तरह से मेथडिज्म से इंस्पायर्ड थी, जॉर्ज एलियट की मिडिल मार्च अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया वुल्फ इट इज द ओनली नॉवल मेंट फॉर अडल्ट रीडर्स, क्योंकि जिस तरह के पॉइंटर्स वो रेज करती हैं इसमें. सो जस्ट लाइक थॉमस हार्डी, जॉर्ज एलियट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट राइटर. लेकिन पता है विक्टोरियन एज के नॉवलिस्ट को करने का क्या सिरदर्द है कि आप कितने सारे नॉवलिस्ट को करते हैं और उनमें से सिर्फ दो तीन ही आते हैं. तो इट्स ऑलवेज गुड कि पहले आप बाकी सारी चीजों को कवर कर लें एंड देन यू कैन कम ऑन टू योर विक्टोरियन एज. ऑल राइट, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अ पीरियड ऑल्सो, मेनी पीपल लाइक यू नो दे डू देयर रिसर्चेस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. सैमुअल बटलर्स मॉक हीरोइक नैरेटिव पोयम ह्यूडिब्रास डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम, कहां से अपना नेम ले रही हैं? श्योर ज़ायदा, आई विल टेक देम अगेन, वील कवर देम अगेन थ्रू नाइट स्कूल, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. चलो जल्दी से बताइए, सैमुअल बटलर्स मॉक हीरोइक नैरेटिव पोयम जो आपकी है, सो दिस नैरेटिव पोयम इज डिराइविंग इट्स नेम फ्रॉम विच वर्क? जल्दी से बताइए बच्चे, व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर हियर? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉट दैट डिफिकल्ट. आपको पता चल, वेरी गुड लिली, रंजना, आरती, वेरी गुड. नहीं, आरती ने सही जवाब नहीं दिया है, सॉरी, वो ना डीवी दिखते हो तो मेरे को नहीं पता चलता है. शुभांगी इज गिवन द राइट आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड. यस इना, जॉर्ज एलियट इज यूजिंग साइकोलॉजिकल रियलिज्म. जॉर्ज एलियट एज इट इज वो एक बहुत ही अनकन्वेंशनल लाइफ जी रही थी, बहुत ही डिफरेंट सी थी उनकी लाइफ, काफी अनकन्वेंशनल रही है उनकी लाइफ. तो दैट इज समथिंग दैट यू आर एबल टू सी, दैट इज समथिंग दैट यू आर एबल टू ऑब्जर्व ऑल्सो. ठीक है, यहां पर बच्चे फेरी क्वीन इज द राइट आंसर. ठीक है, यहां पर आपका जो फेरी क्वीन है ना, दैट बिकम्स द राइट आंसर. फेरी क्वीन से आपका टाइटल लिया गया है, फेरी क्वीन से आपका ह्यूडिब्रास का टाइटल लिया गया है. ह्यूडिब्रास, ये जैसे आप लोग पूछते रहते हैं ना वर्ल्ड लिटरेचर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स हैं, गिलगमेश, एपिक ऑफ गिलगमेश आप पढ़ लीजिए, ह्यूडिब्रास पढ़ लीजिए, रैबिले पढ़ लीजिए, राइट, रैबिले के वर्क्स, रैबिले आपके कौन है, रैबिले आपके फ्रेंच राइटर है, रैबिले के सारे वर्क्स को आप कर लीजिए. देन यू हैव टू डू डॉन क्योटे बाय सर्वेंटिस, डॉन क्योटे पे भी आपके कई सारे क्वेश्चन आते हैं. तो वर्ल्ड लिटरेचर में आपके अनगिनत वर्क्स हैं विच आर कमिंग इन योर एग्जाम्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, और उनमें से आपको याद रखना है कि ह्यूडिब्रास विच इज एक्चुअली अ प्यूरिटन सैटायर इज ऑल्सो गेटिंग इंस्पायर्ड बाय द स्टोरी ऑफ डॉन क्योटे बाय सर्वेंटिस. सर्वेंटिस की जो डॉन क्योटे है उसी से इंस्पायर्ड है, सर्वेंटिस की डॉन क्योटे से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, क्योंकि सेम स्टोरी प्लॉट फ्रेमवर्क लेते हैं ये. ओके, और यहां पर नाम कहां से आ रहा है, फेरी क्वीन से आपका नाम आ रहा है. तो डू रिमेम्बर दैट, डू कीप दैट इन माइंड. जैसे आपका सांचो पांचरा है, लेकिन डॉन क्योटे के कैरेक्टर्स ये आज ना आप होमवर्क में करना, आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन टुमारो. डॉन क्योटे और ह्यूडिब्रास को बस एक बार ऑक्सफर्ड कंपेनियन से पढ़ लीजिएगा. अगर आप समरी नहीं पढ़ना चाह रहे हो या मन नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है, तो एटलीस्ट डॉन क्योटे और ह्यूडिब्रास को टेक अ लुक, टेक अ लुक, रीड योर ऑक्सफर्ड कंपेनियन एक बार एटलीस्ट देख लीजिएगा, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल. डिस्टोपियन साइंस फिक्शन नॉवल ऑरिक्स एंड क्रेक वॉज रिटन बाय कैनेडियन नॉवलिस्ट. वैसे ही आपका कैनेडियन आ गया, ये सारे आपके कैनेडियन ही हैं, लेकिन एलिस मुनरो जो है शी इज मोर कंसर्न विद शॉर्ट स्टोरीज, रोहिंटन मिस्ट्री इज लाइक यू नो एन इंडियन कैनेडियन राइटर हु इज बेसिकली अ पारसी, टेल्स फ्रॉम फिरोशाबाग इज अ वेरी फेमस कलेक्शन, और इनको बुकर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है तीन बार, लेकिन इनको बुकर मिला नहीं है. और डाचेज इज श्रीलंकन बॉर्न राइटर, बट ही इज नॉट राइटिंग ऑरिक्स एंड क्रेक. सो व्हाट इज, हुज द राइटर? एक्सलेंट, एक्सलेंट, या सो स्वीट. वीएफएस इज सेइंग योर बेबी इज अबाउट टू वेक, सो डोंट वरी, देयर आर जस्ट 2 to 3 क्वेश्चन मोर लेफ्ट, लेट्स वेरी क्विकली कंप्लीट दोस एंड देन वील कॉल इट अ डे. डिस्टोपियन वर्क जो है, absolutely right, let's see at the classroom platform if people have been able to answer this question correctly. Yes, that is right, very good Shubhangi, very good, right? And you know, this rejection by parents is very very similar to the rejection that you're able to see in Metamorphosis, where we are able to see that Gregor Samsa, Kafka is bringing us the story of Gregor Samsa and his abandonment.
एलियनेशन मॉडर्न सोसाइटी में हो रहा है, उसका अबैंडनमेंट हो रहा है, दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी. ओके, ब्रिलियंट, दैट इज अ वेरी गुड एनालिसिस, दैट इज अ वेरी वेरी गुड एनालिसिस दैट यू आर एबल टू सी. मार्गरेट एटवुड इज अ कनेडियन राइटर. मार्गरेट एटवुड आपके गैरिसन मेंटालिटी को भी एक तरह से इलैबोरेट करती हैं. शी इज टेलिंग अस दैट कनेडियन राइटिंग्स में गैरिसन मेंटालिटी है. गैरिसन मेंटालिटी क्या है? आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम फॉर इंस्टेंस लाइक यू नो सिटिंग एंड इफ आई ओपन अ बुक एंड आई वॉन्ट टू लाइक यू नो क्लोज माई सेल्फ टू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो आई एम बिल्डिंग अ मेटाफोरिकल वॉल. आई एम बिल्डिंग अ मेटाफोरिकल वॉल कि भाई आई विल नॉट गेट इम्पैक्टेड, आई विल नॉट गेट इम्पैक्टेड बाई एनी थिंग. तो गैरिसन मेंटालिटी, यू आर ट्राइंग टू बिल्ड द मेटाफोरिकल वॉल सो दैट द अमेरिकन इन्फ्लुएंस इज नॉट कमिंग. सो यहां पर यू आर एबल टू सी, एंड हु वाज द पर्सन हु वाज एसोसिएटेड विद प्रॉपर यूसेज ऑफ दिस टर्म? नॉर्थरप फ्राई, हु इज ऑल्सो योर कनेडियन क्रिटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर मिथ क्रिटिसिज्म. मिथ क्रिटिसिज्म के लिए भी इज इम्पॉर्टेंट. Okay, so do keep that in mind. The book Dash by Foucault is an anti-humanist excavation of the human sciences. Anti-humanist excavation of the human sciences. What is the right answer? Chaliye, jaldi se bataiye yahan par what is the right answer? Dhyan se dekhna. And don't be in a hurry to answer it. Don't be in a hurry to answer it. The book Dash by Michel Foucault is an anti-humanist excavation of the human sciences. What is the work that we are talking about? Chalo, jaldi se bataiye, yahan par kya sahi jawab hai? Yes, yes, Neha, absolutely. बच्चे, एक्सकवेशन ऑफ ह्यूमन साइंसेस. बर्थ ऑफ क्लिनिक इज बेसिकली टेलिंग यू अबाउट रिप्रेशन, इज टेलिंग अबाउट मेंटल ग्रीवियंसेस. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? एंटी ह्यूमनिस्ट एक्सकवेशन ऑफ द ह्यूमन साइंसेस. तो आपका क्या सही जवाब है? अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया है. ए नहीं है, बी नहीं है, सी और डी में से जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर. नो, दैट इज नॉट ट्रू. Very good. Ranjana Sinha has given the right answer. Ranjana Sinha has given the right answer. But ye order of things. Dekho, aap automatically soch lo, human sciences ka ek proper order hi denge wo. Order of things ke andar wo bata rahe hain iske bare mein. ठीक है, सो प्लीज कीप दिस एस्पेक्ट प्रॉपरली इन माइंड. डू रिमेम्बर दिस. इसको आपने ध्यान में रखना है. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, यू हैव टू रिमेम्बर इट. Okay, so order of things definitely becomes important. All of you should keep that in mind. Charles Dodgson wrote under the pen name of, when we are talking about Charles Dodgson, he was writing under the pen name of, kya pen name mein wo likh rahe the? He was writing under the pen name of what? Very simple question. I don't think anyone should get this wrong. Very, very simple question. Jaldi se bataiye yahan par, what is the right answer? What is the right answer? Charles Dodgson was writing under the pen name of, what was the pen name that he was writing under? Mark Twain. Annapurna, no. Lily has given the right answer. Lily has given the right answer. ठीक है, यहां पर yes, Lewis Carroll, the mathematician that we are having. देखो यहां पर आप याद रखना कि children's fantasy के form में he is raising some very important questions. Jabberwocky से आपको questions आए हुए हैं, through the looking glass से you've got questions, Alice in the Wonderland you've got questions. Because यहां पर you know ये writers लिख तो children's fiction रहे हैं, but बहुत ही important ideas पोट्रे कर रहे हैं उसके थ्रू. जैसे फॉर एग्जाम्पल, Jabberwocky से आपको नॉनसेंस वर्ड्स के बारे में पता चलता है, और Jabberwocky नेट में ही उन्होंने 3 बार पूछा हुआ है. थ्राइस दे हैव आस्क्ड यू हाउ Jabberwocky इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ नॉनसेंस वर्ड्स. नॉनसेंस वर्ड्स, वर्ड्स जो बिल्कुल कोई सेंस नहीं बनाता है. एंड Lewis Carroll इज द राइट आंसर. Lewis Carroll बिकम्स द राइट आंसर.
ओके प्लीज कीप दैट इन माइंड. ओ हेनरी साकी नहीं, सब लोग अलग अलग गलत गलत आंसर दे रहे थे. सो डू रिमेम्बर दैट. ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है, मॉडर्निज्म में भी इंपॉर्टेंट है. व्हिच इज शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया हुआ है. सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू आंसर दिस. व्हिच इज द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी दैट ही इज रिटन. हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट वन. व्हिच इज द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी दैट ही इज रिटन. King Lear is also decently large. So what is the shortest tragedy that we are having? Yes, 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 absolutely. Samuel Longhorn, that is true. That is the pseudonym that's being used by Mark Twain. Which is Shakespeare's shortest tragedy? Kaun si Shakespeare ki shortest tragedy hai? Very good, very good, very good. Aarti Patel has given the right answer. Lily has given the right answer. Let's see at the classroom platform. Javaria has given the right answer. Hitashika has given the right answer. Dhenu, Shashi, very good. Shubhangi, Jamila, very nice. Ina, Ananya, everyone's given the right answer yahan par. Bache, Macbeth is the correct answer. Macbeth is one of the shortest tragedy of Shakespeare. Hamlet is one of the largest, the biggest ones that we are having. But aapka jo Macbeth hai, that is the most important one in terms of short content that we are having. Tino ki tino important hai. Yahan par aapka, maine aapko bataya hai, fear of miscegenation ke upar questions aajkal bahut aate hain. Miscegenation ka kya matlab hota hai? Ki basically you are not मेंटेनिंग द प्योरिटी ऑफ योर रेस. आप अपने रेस के प्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड मिसिजिनेशन. दैट इज बेसिकली मिसिजिनेशन. और किंग लियर में बच्चे, व्हाट आर यू एबल टू सी इन किंग लियर? किंग लियर में यू आर एबल टू सी दिस अटमोस्ट डिसरिगार्ड जो होता है ना, दैट यू आर हैविंग टू सोशल ऑर्डर. डॉटर्स आर द पेलिकन सिस्टर्स. द पेलिकन सिस्टर्स आर नॉट एट ऑल वरीड. पेलिकन सिस्टर्स कौन है? गोनेरिल एंड रीगन. दे आर द पेलिकन sisters. ये अपने, like, you know, they are completely destabilizing the order, so to say. They're not respectful of their father. They're very greedy. Alright, तो बहुत सारे important pointers हैं, वो तो आपके हैं ही. Lady Bracknell is a character in the play. Lady Bracknell आपका कौन से play में है? And all these plays actually are very important. All these plays are must read. ओके चलो जल्दी से बताइए. थैंक यू सो मच आरती, दैट्स वेरी स्वीट एंड काइंड ऑफ यू. चलो जल्दी से बताइए, वेयर डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ, एंड दिस कैरेक्टर इज अ पार्ट ऑफ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कल्ट वर्क दैट वी आर हैविंग. व्हाट इज द राइट आंसर? लेडी ब्रैकनेल इज अ कैरेक्टर. आई गिव यू अ हिंट. तो हिंट ही दे दी तो आई थिंक आप लोगों को आ ही जाएगा. दिस वर्क हैज बीन रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड. ऑस्कर वाइल्ड is the writer of this play. तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? What is the right answer? Yes, that's true. Chain of Being is the right answer. That's right for King Lear. चलिए जल्दी से बताइए, what becomes the correct answer here? Very good, very good. All of you have given the right answer. Swati, Sneha, Vidya, Ina. No, Ina. That is not the right answer. Lady Bracknell is a character in The Importance of Being Earnest. Importance of Being Earnest, comedy of manners ko Victorian stage ke upar wapas la rahi thi. Oscar Wilde वैसे भी आपके लिए बहुत important writer हैं. उनकी poetry, उनके aesthetic movement से connection, उनके dramatic works, उनकी only novel, The Picture of Dorian Gray, जो कि Faustian myth के ऊपर based है, जहां पर वो हमें aestheticism के बारे में बताते हैं. That you know, all works that we are having, okay? They are not good or bad. They are either well written or badly written. So yahan par what you are able to see, yahan par you are able to see that the importance of being earnest becomes the correct answer. The importance of being earnest is the right answer. In which year was Paradise Lost published? Kaun se year mein Paradise Lost was published? Very simple question. Yes, 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 of course. Arms and Man, School for Scandal, She Stoops to Conquer, all of them are must read plays. Drama वैसे भी आपका काफी interesting है. You'll be able to see, you'll be able to enjoy that drama. So that is of course there. अच्छा चलो अब जल्दी से एक poetic work के ऊपर आ जाते हैं. Paradise Lost was published in which year? And remember, Milton and Dryden both are writing epics.
मिल्टन एनस मिराबलस एक पॉलिटिकल एपिक लिख रहे हैं, जबकि ड्राइडन सॉरी ड्राइडन आपकी एक पॉलिटिकल एपिक एनस मिराबलस लिख रहे हैं, जबकि मिल्टन आपकी रिलीजियस एपिक को लिख रहे हैं. सो व्हाट इज द राइट आंसर? शाबाश, वेरी गुड. मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर हियर. ज्यादातर सब बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. 1667 इज द राइट आंसर. 1667 बिकम्स द करेक्ट आंसर. दैट इज द राइट आंसर दैट यू आर एबल टू सी. फैंटास्टिक, ठीक है, ये आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है. आई एम ग्लैड मोस्ट ऑफ यू एक्चुअली गॉट दिस आंसर राइट. देखो, पैराडाइज लॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है. पैराडाइज लॉस्ट से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. 12 बुक्स में से आपका बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 9, बुक नंबर 10, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बुक 9 पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है. पैराडाइज लॉस्ट का ज्यादा सक्सेसफुल रहना रादर देन पैराडाइज रीगेन्ड, ये भी एक पॉइंटर है विच ऑल ऑफ यू शुड कीप इन माइंड. ठीक है, ये भी इसको याद रखना, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है. चलो, द एपिक नॉवल द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज इज रिटन बाय, हिंट, ये एक नोबेल प्राइज विनिंग राइटर हैं और ये हमें कॉन्सेप्ट देते हैं एंटरस्टाइसिस का. एंटरस्टाइसिस का क्या मतलब हो जाता है? जैसे बीच में हम वेट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लास का टाइम है 10 o'clock और हो सकता है कि 10 o'clock कभी थोड़ा कोई टेक्निकल इश्यू आ गया तो आपकी क्लास शुरू हुई है से आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल 10:15 पर. तो आप इन 15 मिनट को भी अगर आप यूटिलाइज करते हो तो उसे एंटरस्टाइसिस कहा जाता है. ये इस पर्सन ने कहा था. ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरस्टाइसिस. किसने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरस्टाइसिस? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. यस इना, देयर इज अ डोमेस्टिक क्वारल इन बुक 9. सोहराब हुसैन हैज ऑल्सो ज्वाइंड. इको इज द राइट आंसर. पूजा, अनन्या, गीता, रुदेशिया, जमीला, शुभांगी, स्वाति, विद्या, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है उमर टू इको. लेकिन बाकी सारे राइटर्स, ओरहान पामुक फॉर इंस्टेंस, एंजेला कार्टर, डोरिस लेसिंग, दे आर ऑल फिनोमिनली इंपॉर्टेंट इन द 20th century. तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा. इन विच वर्क डज स्पेंसर डिस्क्राइब चौसर एज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. कौन से बुक में चौसर इज डिफाइंड एज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. कौन से बुक में वी आर एबल टू सी द चौसर डिस्क्राइब्ड एज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड? मैं इसको थोड़ा सा और वो बना देती हूँ इजी. और कौन सी बुक में चौसर उनको वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड कहते हैं? कौन सी बुक में वो उनको वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड कहते हैं? टेल मी दिस ऑल्सो वेरी क्विकली. जल्दी से कर लेते हैं, 5-6 क्वेश्चंस और बचे हैं. सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करके एंड कर देंगे. ठीक है, ओके. Yes, absolutely. Pamuk as it is a brilliant writer. Pamuk, आप लेकिन you'll be traveling by airport, you'll be traveling by train. आपको Pamuk की कोई ना कोई book मिल जाएगी किसी ना किसी book shop पे. He's so popular. He's really important. Like, when you're talking about Orhan Pamuk, Pamuk is one of the most, very easy to understand writers also. चलो, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, और कौन सी बुक के अंदर आता है? बुक 4 ऑफ द फेरी क्वीन में यू आर एबल टू सी दैट ही इज कॉलिंग, स्पेंसर इज कॉलिंग चौसर एज द, सॉरी, यू आर एबल टू सी दैट हाउ दिस इज अ प्रेज दैट स्पेंसर इज गिविंग टू चौसर एज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड. द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड, ये क्वेश्चन आपका नेट में 2 बार आ चुका है. डोंट नो फॉर सम रीजन बट दे हैव गिवन इट टू यू ट्वाइस. बेनेडिक्ट एंडरसन्स बुक इमेजिन्ड कम्युनिटीज वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर. बेनेडिक्ट एंडरसन की जो इमेजिन्ड कम्युनिटीज है ये कब पब्लिश हुआ था? और याद है क्लासरूम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आफ्टरनून में क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया था, दैट हु इज द पर्सन हु इज गिविंग यू एन एसोसिएशन बिटवीन लैंग्वेज और आपका बिल्डिंग ऑफ नेशनलिज्म, वो भी बेनेडिक्ट एंडरसन है. बेनेडिक्ट एंडरसन इज टेलिंग अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेजेस एंड साइमल्टेनियसली द बिल्डिंग ऑफ नेशनलिज्म, द बिल्डिंग ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज द बिल्डिंग ऑफ नेशनलिज्म. दैट इज वॉट यू आर एबल टू सी. ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छी तरह से एक तरह से देख पाते हो. चलिए जल्दी से बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर हियर, व्हाट बिकम्स द करेक्ट आंसर? वेरी गुड, सोफिया हैज गिवन द राइट आंसर. सोफिया हैज गिवन द राइट आंसर. 1983 इज द करेक्ट आंसर. किसी ने दिया है क्लासरूम्स? वेरी गुड, वेरी गुड. विद्या, शुभांगी, राबिया, गीता, सबने बिल्कुल सही जवाब दिया है.
ओके स्नेहा इज अडोरेबल. डेट्स वाले क्वेश्चन तो मुझे लगता है स्नेहा दिखती ही नहीं है. स्नेहा कहती है चलो छोड़ो मुझे आता ही नहीं है, कम से कम थोड़ा ट्राई वाई तो करा करो, यू नो, सो दैट यू गेट एन आंसर. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. इन विच ईयर वॉज द आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी थॉमस बेक्ट असैसिनेटेड. ये अगर आपने अभी वाली 4 नाइट स्कूल की क्लासेस भी अच्छी तरह से करी हैं, उनके पीडीएफ को अच्छी तरह से गो थ्रू करा है, यू वुड डेफिनेटली बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आपको, हम लोगों ने थॉमस बेक्ट को डिस्कस किया था, आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी को, और इनकी क्या एक तरह से लड़ाई हो रही थी मोनार्क के साथ. एंड व्हेन वाज ही असैसिनेटेड. मर्डर इन द कैथीड्रल भी इन पे बेस्ड है. मर्डर इन द कैथीड्रल इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. आपका मर्डर इन द कैथीड्रल बिकम्स एन इंपॉर्टेंट वर्क. व्हाट इज द राइट आंसर? वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट. बट शे मर्डर इन अ कैथीड्रल को जरूर पढ़ना. मर्डर इन द कैथीड्रल के साथ साथ इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया इफ यू आर लुकिंग एट 4 क्वार्टरेट्स, क्योंकि आजकल आपके 4 क्वार्टरेट्स में से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लिटिल गिडिंग के ऊपर हम लोगों ने कल क्वेश्चन किया था जो 4 क्वार्टरेट्स का पार्ट है. इफ यू रिमेंबर, लिटिल गिडिंग वॉज अ क्वेश्चन दैट वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे ऑल्सो. So Thomas Becket is getting assassinated in 1170. Orhan Pamuk is a novelist from. When you're talking about Orhan Pamuk is coming from which part of the world? Which part of the world are we able to see Orhan Pamuk? Let's see at the classroom platform. I've seen Sneha. The minute you have a date question, Sneha will not even attempt. It's Sneha will be like, छोड़ो, ये तो छोड़ ही दो. ये थोड़ा सा बच्चे psyche change करो. आप 5-6 questions करोगे, 5-6 गलत होंगे, लेकिन उसके बाद जब सही answer आने लग जाएगा ना Sneha, तो you will yourself feel very happy. फिर आपके mind ने strategy भी develop कर ली होगी. Alright? Because you know the mind does not like to be likes to be defeated every time. क्योंकि वो भी थोड़ा सा ले लेता है कि भाई क्या हो रहा है. सो योर माइंड विल एनालाइज कि ठीक तरह से देखो, ऐसे एनालाइज करना है. यू विल बी मोर कॉन्शियस. बट इफ यू विल गिव अप ओनली, देन ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट. टर्की इज द राइट आंसर. मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर. ऑफकोर्स लेबनीज क्यूजीन इज वेरी टेस्टी, बट या टर्की इज द राइट आंसर. आजकल जो आपकी टर्किश आइसक्रीम्स है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है. मॉल्स वगैरह में भी आप जाते हो तो यू आर एबल टू सी दोज, राइट. The Perishable Empire and Twice Born Fiction are works by. The Perishable Empire and Twice Born Fiction, ये किसके works हैं? और please आज जाके इनको जरूर थोड़ा सा देखना. हम लोग वैसे आपके crash courses के अंदर, mini modules के अंदर थोड़ा बहुत Indian writers and Indian aesthetics पे भी focus करेंगे. So that will definitely be very helpful. But do take a look at that. Okay, do take a look at that. That is very important. I had attended this session also by Arvind Krishna Mehrotra. I don't know if someone has seen how Arvind Krishna Mehrotra looks like right now. He looks like, you know, an even bigger version of Modi. Like, you know, Prime Minister Modi has created this entire beard which makes him look like, you know, like a sage. To usse bhi zyada, and I would say much more handsome beard, but absolutely pitch white beard is there for Arvind Krishna Mehrotra. I think I've recorded that session that I attended, so I will share it with all of you. But a brilliant, brilliant writer altogether for in Indian English writings. ठीक है, चलो जल्दी से बताइए, what is the right answer over here? राइट, मीनाक्षी मुखर्जी इज द राइट आंसर. ठीक है, मीनाक्षी मुखर्जी इज द राइट आंसर. मीनाक्षी मुखर्जी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इंडियन राइटर्स के अंदर आपको याद रखना है कि जो क्रिटिकल वर्क्स आजकल लिख रहे हैं ना इंडियन राइटर्स, या क्रिटिकल वर्क्स जो वो लिख चुके हैं, वो इंपॉर्टेंट है. ट्वाइस बॉर्न फिक्शन वैसे ही एक बेस्ट सेलिंग वर्क है मीनाक्षी मुखर्जी का. पार्थ चैटर्जी, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवैक, एजाज अहमद वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. सारे के सारे ये जो थ्योरिस्ट हैं, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर ऑल वेरी लाइक यू नो क्रूशियल एंड क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ यू टू कीप इन माइंड जब आप इंडियन राइटर्स को देखोगे. सो डू रिमेंबर दैट. 23, 24, 25 तीन क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं. द एडिंग मशीन द फर्स्ट अमेरिकन एक्सप्रेशनिस्ट प्ले वॉज रिटन बाय. तो आपको एक यही चीज पता चल गई है, दैट एडिंग मशीन वॉज एन एक्सप्रेशन प्ले. अमेरिकन ड्रामा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पर्टिकुलरली आप देख रहे हो दैट टू ऑफ द ड्रामेटिस्ट आर एक्चुअली गेटिंग द प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज एज वेल. सो ऑटोमेटिकली अमेरिकन ड्रामा बिकम्स इंपॉर्टेंट. यहां पर व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
वेरी सिंपल क्वेश्चन गेट इम्पोर्टेंट. एडिंग मशीन, एडिंग मशीन. चलिए जल्दी से बताइए. वेरी गुड, लिली हैज गिवन द राइट आंसर. लिली हैज गिवन द राइट आंसर. भाग्यश्री, पूजा, ईना, शुभांगी, I can see all of you have given the right answer. Elmer Rice is the correct answer. Elmer Rice is the correct answer. We will be looking at some more important American writers in greater detail because they come in your exam. Adding machine is a brilliant piece of writing that you are having. और ये आपका Elmer Rice ने लिखी है. Who is the writer associated with it? Elmer Rice is the person who is associated with the adding machine. ओके, सो डू कीप दिस एस्पेक्ट प्रॉपरली इन माइंड. आज अगर जाके इफ यू कैन गो थ्रू अमेरिकन ड्रामा, अमेरिकन 20th सेंचुरी ड्रामा, इंपॉर्टेंट प्लेज और पाथ ब्रेकिंग प्लेज, दैट विल ऑल्सो बी अ गुड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. बक इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल रिटन बाय अमेरिकन नॉवलिस्ट. जो आपका बक है, बक इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल विच इज रिटन बाय अमेरिकन नॉवलिस्ट. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द अमेरिकन नॉवलिस्ट? बक. बक का राइटर कौन है? चलो जल्दी से बताइए. व्हाट इज द राइट आंसर हियर? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बक, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट बक, व्हाट इज हु इज द राइटर हु इज एसोसिएटेड विद बक? वेरी ब्यूटिफुल वर्क, यू नो, इफ यू गेट द टाइम यू कैन एक्चुअली रीड दैट ऑल्सो. बहुत ही ब्रिलियंटली लिखा हुआ है. सम ऑफ दीज अमेरिकन राइटर्स हु आर राइटिंग इन द 20th सेंचुरी, दिस ऑफकोर्स राइटर इज नॉट अ प्रॉपर 20th सेंचुरी राइटर, बट यू आर एबल टू सी, राइट? बक इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ विच नॉवल? वेरी गुड, वेरी गुड. देखो जैसे आपका ऑरलैंडो, सॉरी आई एम सेइंग ऑरलैंडो, जैसे कि यू आर हैविंग योर फ्लश रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, इट इज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द लैप डॉग. बक इज द सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट हु इज ऑल्सो एन एनिमल इन कॉल ऑफ द वाइल्ड. ठीक है, कैसे इट इज टेलिंग अस अबाउट दिस जर्नी ऑफ दिस एनिमल? देखो जैसे आपके जो डॉग्स होते हैं, जो पुलिस लेके आती हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव को दिखाया गया है. एंड यहां पर तो बक इज एक्चुअली अ स्लेज डॉग. बक इज एक्चुअली अ स्लेज डॉग जिनको विंटर्स में यूज किया जाता है, जिनको विंटर्स में वर्क लेकिनों के लिए यूज किया जाता है. तो उनकी जर्नी बता रहे हैं. कॉल ऑफ द वाइल्ड, कॉल ऑफ द वाइल्ड बाय जैक लंडन. So, Call of the Wild by Jack London, it's actually beautiful. बक का जो perspective है, you can actually read this Call of the Wild में. You will fall in love with the narrative and the way that Jack London has actually portrayed the voice of an innocent person जो कि नहीं बोल सकता है. ठीक है, सो आपका वर्क का नाम क्या है? आपका वर्क का नाम है Call of the Wild. Call of the Wild के अंदर आपका सेंट्रल कैरेक्टर है आपका बक. सो बक बिकम्स द सेंट्रल कैरेक्टर. प्लीज कीप दिस इन माइंड, दिस क्वेश्चन कीप्स ऑन कमिंग ऑल्सो, क्योंकि ये आपका एडवेंचर नॉवल क्या बता रहा है? ये आपका एडवेंचर नॉवल इज एक्चुअली टेलिंग अस अ स्टोरी ऑफ अ डॉग. दिस इज टेलिंग अस अ स्टोरी ऑफ अ डॉग. And compare this with Flush. Flush is a novel written by Virginia Woolf telling us the perspective of the dog that was there by Elizabeth Barrett Browning. So Buck is actually a dog that we're having. It's a literal dog. And his journey, the sledge dog's journey is presented. Okay, so please keep that in mind. Very important. Last question for today. Which poem ends thus, and we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night? Who's the writer? चलिए जल्दी से बताइए. व्हाट इज द राइट आंसर? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग. वेरी वेरी फेमस राइटर, वेरी वेरी फेमस पोएम. कौन सी पोएम है? व्हिच इज द पोएम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर? Excellent, excellent. Akanksha has given the right answer. Shabash, what else? Ina has given the right answer. Yes, Bhagyashri, that's true. Very good. Who else? Pooja, Shubhangi, Jamila, Vidya, everyone's given the right answer. No, but it's not Scholar Gypsy.
Yes, it's the Dover's speech. It's the Dover's speech. Most optimistic poet of the 19th century is Robert Browning. But when we are talking about Rabi Ben Ezra ho gaya, or other works also, you're able to see his optimism. And one of the most pessimistic ones is no doubt Matthew Arnold. So Matthew Arnold ka jo work hai, that is the lines have been taken. That is what we are looking at. Theek hai? So we will of course continue from here. Do take a look at all these 25 questions that we've covered today. Some very interesting pointers also and some easy pointers have been raised. So cover all these important 25 questions jo aa rahe hain. Do take a look at them. Do make a point ke you are revising all of them in a correct order. And like I said, we will continue from here. And I will be sharing the schedule for your upcoming YouTube वाले जो क्रैश कोर्सेस हैं, YouTube वाले जो सेशंस हैं, सो दैट इफ यू वांट यू कैन रीड द टेक्स्ट बिफोर हैंड ऑल्सो और यू कैन रीड द समरी सो दैट द टेक्स्ट आर द क्लासेस आर इवन मोर प्रोडक्टिव फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय. यस भाग्यश्री, डोवर स्पीच वॉज द राइट आंसर. चलो, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड नाइट. गुड नाइट अभिवृद्धि, गुड नाइट.